नमस्कार, कैसे हो? जय श्री हरि। जय श्री हरि। श्रवण किशोर फिर से आपके साथ 20वां गुरु नीति। बीच में चार पांच वीडियो हमने हमारे साथी सुखदेव सोलंकी, सुखदेव चौधरी सर से आपको शेयर करवाए। हम सभी हमारे साथ उनका परिचय इस गुरु नीति के माध्यम से आपको दोस्तों करवाएंगे। आज डियर 24 दिसंबर है। ये थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, कंडक्शन, अगला इसका वीडियो हमारा आएगा KTG पे, थर्ड है थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक बात पहले कर देता हूँ, पहले से किशोर यहाँ पर हमने, मैं इसको हीट बोलता हूँ पूरे पार्ट को। हीट के हमने वीडियो 3 बनाए हैं, पर हमने होमवर्क जब किया तो लगा कि 3 कम पड़ रहे हैं, तो ये तीनों वीडियो करीब करीब 2-2 घंटे के आपके पास आए। ठीक है डियर, तो आज हम ले रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड कंडक्शन। हम यहाँ कंडक्शन को साथ लेंगे। एक बार लाइव देखने वाले सारे बच्चों कह रहा हूँ, बेटा जी वीडियो देख, सारे बच्चों कह रहा हूँ कि ये CLC की गुरु नीति के वीडियो यदि आपका जो जिसको अपना दोस्त मानते हो स्टूडेंट को, उसको देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी, 180 वीडियो के बाद मैं नहीं मानता कि कुछ नीट में बस सकता है। दोस्तों आज 24 दिसंबर है, 4 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन सरकार देने जा रही है, और भैया सरकार नहीं भी देती है तो हम तो कहते हैं भैया आप सीकर की ओर आप मूव करना शुरू कर लें, या हॉस्टल वगैरह, ऑफलाइन डाउट काउंटर, डिस्कशन काउंटर सब स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जुलाई में नीट होना है, फाइनल हो गया। अभी जुलाई लास्ट या अगस्त बिगिनिंग में आपका नीट होना है। आप सब जानते हो JEE मेंस की दोस्तों डेट्स आ चुकी हैं, तो जो बॉडी JEE मेन करवाता है वही बॉडी आपको पता है कि नीट का एग्जाम करवाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो मैं फिर से कहता हूं ये अगले 3 जो गुरु नीति हैं, 20वां, 21वां, 22वां, तो हमें इसमें दोस्तों 4 गुरु नीति का मैटर सेट करना होगा, क्योंकि 3 ही गुरु नीति बना पाए इसकी, मतलब असाइन कर पाए, तो मैं लगा एक कम पड़ गई। अब कम पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे इसमें। ठीक है, शुरू करें। आओ पेन ले किशोर सर। तो डियर आज हमारा 20वां 45 में से 20वां भी आगे, 20वां शुरू करते आ जाओ जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो किस पर है, स्केल पर। स्केल पर साफ कहता है 1 सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 30 डिग्री, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फाइनाइट, दो स्केल का कंपेयर है। तो अपन ऐसा करते हैं, पेज खाली करें पुत्र, अपन सबसे पहले ये काम करते हैं स्केल की बात करते हैं। स्केल क्या होती है? तो मैं एक बात कहता हूं भाई, पानी जब स्केल नहीं था, जब पैमाना नहीं था, तब भी पानी जमता था, तब पानी उबलता। जैसे सीकर और जयपुर के बीच एक रोड है, उस पे माइलस्टोन लगे हुए हैं, तो जब माइलस्टोन नहीं थे तब भी जयपुर सीकर के बीच डिस्टेंस थी। भाई किसी दो शहर के बीच आप माइलस्टोन लगाओ और ना लगाओ, डिस्टेंस तो रहेगी रहेगी। अच्छा, माइलस्टोन तुम गलत लगा दो चाहे सही लगा दो, दूरी तो फिक्स रहेगी। मान लो तो आप माइलस्टोन जयपुर सीकर के बीच 50 लगा दो, तो आप कहोगे साहब जयपुर 50 किलोमीटर है, वो दूरी भैया 120 किलोमीटर है, तो 120 ही रहेगी। कहने का मतलब स्केल गलत कर दो, स्केल सही कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। गलती आप कर सकते हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग गलती नहीं हो सकती। ओके डियर, तो मैं कॉमन सी बात पे आता हूं किशोर पुत्र। एक पैमाना को ये है, एक स्केल को ये है, मैं 5 स्केल बनाता हूं बच्चे तेरे लिए। मन से बैठ जा, ब्रह्मास्त्र है अपने आप में। देखो डियर, ये सेंटीग्रेड पर लगती है, सेल्सियस बोलते हैं, ये रूमर मान लो, ये फ़ारेनहाइट मान लो, ये केल्विन मान लो, और माना एक लड़के का नाम महेश है कोई, तो ये महेश पैमाना बना दिया आपको मैंने। अब डियर मैं मान लू कि ये वो पॉइंट है जहां ये सीकर है और ये जयपुर है। जयपुर, ओ भाई मैं सीकर रहता हूं यार, तो मैं सीकर जयपुर आता है। ये सीकर है, ये जयपुर है, मुझे सीकर और जयपुर के बीच माइलस्टोन लगाने हैं। सीधा फंडा है, सीकर अपनी जगह रहेगा, जयपुर अपनी जगह रहे, यानी ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोल दो, एक ही बात है, मेल्टिंग पॉइंट बोल दो आप इसको, ये आपका मेल्टिंग, ये आपका गलनांक है, ये आपका क्वथनांक। ठीक है डियर, सेल्सियस ने क्या कहा कि साहब ये 0 है और ये 100 है, और इसने खाने कर दिए ऐसे, यानी सेल्सियस ने क्या कहा कि 0 पे जमती है बर्फ या पिघलती है, एक ही बात है, और 100 पे उबलती है पानी, और इसके मैंने 100 खाने बना दिए। रूमर क्या कहता है, ये 0 है और ये 80 है, तो इस भाई ने 0 और सीकर और जयपुर के बीच 80 स्टोन लगाए। फ़ारेनहाइट क्या कहता है कि साहब ये 32 है और ये 212 है, तो कितने हो गए, 180। तो यहां माइलस्टोन कितने हो गए, 180। केल्विन अलग से नहीं है, वो कहता है 0 को मैं 273 कहूंगा और इसको मैं 373 कहूंगा, तो ये तो एक ही चीज है, सेल्सियस और केल्विन सेम है। महेश क्या कहता है, महेश क्या कहता है साहब मैं तो ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा कि 18 है ये तो मेरा,
ठीक है yes. और 150 जोड़ इसमें कितना हुआ 160 है आ जा, तो इसने क्या किया 150 खाने बढ़ा दिए बिल्कुल yes. ये चार पैमाने हैं, पांच हैं, चार के नाम आपने सुने, मैं एक महेश पैमाना बढ़ा दूं। इसका मतलब महेश कहता है कि महेश के यहां मेल्टिंग पॉइंट 18 डिग्री है, तो कैसे लिखोगे 18 डिग्री महेश, ये महेश 18 संख्या है, डिग्री मतलब खाना एक सेक्शन है, एम का मतलब स्केल का नाम है, इसका नाम आ गया। अब डियर इनके आपस में रिलेशन क्या है, यहां कितने खाने हैं 100, पहला प्रश्न, सबसे छोटी डिग्री कौन सी है फरनहाइट की है भैया, क्यों सीकर और जयपुर के बीच यहां 100 माइल स्टोन है, यहां 80 है, यहां 180 है, यहां 100 है, यहां 150 है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ फरनहाइट, उससे बड़ा कौन है महेश, उससे बड़ा कौन है सेल्सियस या केल्विन, और सबसे बड़ा कौन है रूमर, रूमर में जो माइल स्टोन है वो दूर दूर है, दूर है, बोलो यहां तक पहले पड़ी बात बिल्कुल। अब इनके बीच रिलेशन है, एक बहुत शानदार रिलेशन है, इसके साथ सी लगेगा, इसके साथ आर लगेगा, इसके साथ एफ लगेगा, इसके साथ के लगेगा, उसके साथ एम लगेगा, और डिग्री क्या बताता है एक खाना और संख्या। एक बात सुनना, डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में कोई फर्क है नहीं है, बस एक बात सुन लो, वो स्टार्ट 0 से है ये 273 से है, वो स्टार्ट 100 पे है ये 373 पे है, डिफरेंस की बात आएगी तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जगह खाली नहीं करके ये बताऊं, इसमें दोस्तों हकीकत में क्या होता है कि रीडिंग yes. तो रीडिंग माना कि वहां आपने को रीडिंग टी कह दी, टी माइनस लोअर, टी लोअर अपॉन टी अपर माइनस टी लोअर, ये सब के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टी माइनस टी लोअर अपॉन टी अपर माइनस टी लोअर। अब मेरे एक मजबूरी है, मुझे खाली करना पड़ेगा इसको, ए मैं इस पेज को खाली कर देता हूं और अब आप शुरू हो जाओ। सेल्सियस की बात करो तो इसको क्या लिखोगे टीसी, लोअर क्या है 0, अपर क्या है 100, लोअर क्या है 0, आ जाओ टी रूबर टी आर लगा दे, लोअर क्या है 0, अपर क्या है 80, लोअर क्या है 0, अब आ जाओ आप फरनहाइट पे, टी एफ है, लोअर क्या है 32, अपर क्या है 212 माइनस 32 केल्विन में, अपर क्या है लोअर क्या है 273, अपर क्या है 373 माइनस 273 इक्वल टू टी महेश, लोअर क्या लिया था हमने 18, अपर क्या लिया था 168 और अप लोअर क्या लिया था 18, ये लो हो गया पैमाने बिल्कुल, था ध्यान से बैठ जा भैया, कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक नेशन आपके सामने सामने। अब डियर मॉडिफाई कर दो, इसको सी बोल दो तो ये तेरा सी अपॉन 100, इसको आर बोल दे आर अपॉन 80, इसको क्या बोलना है एफ माइनस 32 अपॉन 180, ये तेरा क्या है के माइनस 273 अपॉन 100, और ये क्या है महेश माइनस 18 अपॉन 150, ये ले बोल रहा है ना बिल्कुल जोरदार, बस ये सुपर तरीका है। इसको एक बार मैं भूल जाऊं थोड़ा सा, मैं कलर कलर चेंज करके इसको मैं साइड में कर दूं, तो दोस्तों आप देखो इन सब में 20 का भाग दो तो ये तेरा क्या बना भैया, कलर चेंज कर ले वापस तेरे लिए, ये कलर चेंज कर दूं, ये सी बट्टे 5, आर बट्टे 4, एफ माइनस 32 बट्टे 9 इक्वल टू के माइनस 273 बट्टे 5। अब मैं के की बात नहीं करूंगा, मैं सी की बात कर लूंगा, और लास्ट मुझसे अगर के चाहेगा तो भैया उसमें 273 जोड़ दूंगा yes. तो इस बीमारी को खत्म करो, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो लो जी। तो दोस्तों ये देखो आपके तीन रिलेशन आ गए, याद है कह रहे सी अपॉन 5 इक्वल टू आर बाई 4 इक्वल टू एफ माइनस 32 बट्टे 9। अब यदि सी को महेश के साथ कंपेयर करें तो महेश में क्या है एम माइनस 18 अपॉन क्या था 120 खत्म करके तेरे से प्रश्न पूछ लूं कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री महेश के बराबर है, बिल्कुल नहीं कर ले, 10 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री महेश के बराबर है, तो सी कितना है 10 10 10 बटे 5, एम माइनस 18
अपॉन 7.5 बोल कुशल पुत्र बिल्कुल सी अपॉन 5 एम माइनस इसको मल्टीप्लाई कितना बचा 75 ये क्या बचा 5 एम 18 पंजो कितना होता है 90 तो 5 एम इक्वल टू क्या हो गया 75 90 कितना बोलना ये आपका हो गया 165 तो एम इक्वल टू क्या हो गया 165 अपॉन 5 क्या हो गया ये हो गया 33 हो गया 33 हां बिल्कुल तो सीधी सी बात है कि 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 33 डिग्री महेश हो गया लोग तो नहीं कहानी कर दिया हमारे परमा विष्णु महेश पे आ जाओ आपको यार सही ये स्केल इसको बोलते हैं पढ़ने का तरीका यार सिर्फ फुटबॉल करना चीज को यार ये है दोस्तों हमारे पैमाने ऐसे पैमाने चेंज होते हैं तो मैं मेरी बात को रिवाइज करूं तो उसका मतलब टी माइनस टी लोअर अपॉन टी अपर माइनस सी लोअर ये स्केल बनाने का प्रोसेस है बिल्कुल जैसे कई बार आता है एक पेट क्वेश्चन है कितना डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है बहुत पेट क्वेश्चन है सी अपॉन 5 एफ माइनस 32 बटे 9 सी का मान रखो -40 और एफ का मान रखो -40 तो -40 बटे 9 ये देखते रहो ये भी 8 है और ये भी 8 के बराबर हो गया घंटा बेहतर 48 ये इस प्रकार के क्वेश्चन खूब सारे आते हैं बोलाया ना बिल्कुल अब तो क्वेश्चन में आ जा क्वेश्चन निकाल अब शुरू कर लेते हैं आ जा वो कहता है कि 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया परिवर्तन तो फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन हुआ तो आप तो ऐसा करो ऐसा मत करो पूरी बात देखो सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9 चेंज करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो चेंज का मतलब है डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 व्हाट इज डेल्टा सी 30 अपॉन 5 डेल्टा एफ अपॉन 9 ये तेरा 6 और 9 6 कितने होते हैं 54 9 को मल्टीप्लाई करो 6 54 तो तेरा आंसर क्या आ गया भैया 54 डिग्री आ गया बोल आया ना बिल्कुल ये डियर आपके सामने एक सुंदर सा स्केल पे क्वेश्चन था जिसको हमने करने की कोशिश कर ली बिल्कुल अब आगे चलें अगला क्वेश्चन निकाल पड़ता आ गया किस ताप पे सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट के स्केल बराबर है -40 डिग्री सेल्सियस नीट की एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है आगे चले पुत्र किशोर पुत्र ये है नीट की प्रॉब्लम बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है भूल जाओ इस प्रश्न के भाषा में बताऊं क्या है वो कहता है एक लेबोरेटरी में एक व्यक्ति थर्मामीटर बना रहा और बनाते समय उसने जो मार्किंग को गलत कर दी और गलत स्केलिंग गलत कर दी कैसे गलत कर दी कि 0 डिग्री को पढ़ रहा वो 10 डिग्री और 100 को पढ़ रहा है 130 तो कहता है 40 डिग्री को क्या पढ़ेगा yes. प्रश्न ये है कि एक कोई थर्मामीटर में गलत मार्किंग हो गई मार्किंग हो जाता है आदमी नहीं हो गई कि 0 को 10 पढ़ रहा है 100 को 130 पढ़ रहा है तो बताओ 40 को क्या पढ़ेगा तो इसका दोस्तों तरीका होता है कि इसका मैं बता दूं मैं फॉर्मूला लिखता हूं सही इक्वल टू गलत तो सही नाप या गलत नाप बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना वास्तविक उतना ही भाई तू तेरे माले बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री आ गया तो अब तो थर्मामीटर गलत या सही ना बॉडी का तो टेम्परेचर रहेगा ना बुखार आ गया तो रहेगा वो तो अपने थोड़ी खत्म हो जाएगी आ जा तो टी अब फॉर्मूला क्या होता है टी माइनस टी लोअर टी अपर माइनस टी लोअर ये होता फॉर्मूला ऐसा सबके लिए कॉमन है तो इसकी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट क्या होगी टी क्या है जो हकीकत है ज्ञात करना जो अपने को ज्ञात करना है तो टी माइनस टी लोअर क्या है सही में क्या होगा 10 सही में क्या होगा 0 अपर क्या होगा 100 सही में क्या होगा 0 और ये सही में क्या है 40 इक्वल टू अब गलत क्या है निकालना है जहां 0 वहां क्या आएगा 10 100 वहां क्या आएगा 130 माइनस 10 ध्यान देना ये है सही के लिए सही तो सही कितना है 40 गलत कितना है निकालना है ओके तो इतना कितना बच गया 40 अपॉन 100 टी माइनस 10 अपॉन 120 तो इसको इससे निकाल दे ये तेरा 48 टी माइनस 10 दिस इज टी इक्वल टू 58 ये ले पुत्र आंसर आ गया 58 डिग्री सही इक्वल टू गलत कर दे बोलने में अजीब लग रहा है अरे कहने मतलब थर्मामीटर गलत बना सही बना क्या फर्क पड़ता है जो मूल टेम्परेचर है वो चेंज है वो वही नहीं हो सकता ओके डियर यस आगे चलें फिर देखो ना हमने महेश बनाया था इसे डब्लू बना दिया क्या कहता है कोई एक स्केल है
जिसका ये रहा मेल्टिंग पॉइंट, लोअर क्या है 39, अपर क्या है 239। तो कहता सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस से किस डब्लू के बराबर है। तो मैंने जो महेश बनाया था ना वो इसने डब्लू बना दिया। तो देख भाई सुन 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 देख सुन, सी माइनस जीरो अपॉन सो माइनस जीरो डब्लू माइनस 39 अपॉन 239 माइनस ब्रह्मास्त्र आ गया यार टी यस इसको टीसी कह दे इसको टी डब्ल्यू क्या पड़ता है माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर टी डब्ल्यू माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर आ जा तो टीसी 39 ये ले 39 अपॉन क्या है 100 अपॉन डब्ल्यू तेरा कन्वर्ट करना है माइनस क्या है 13 अपॉन क्या है 200 यस डियर ये तेरा 200 हो गया। इसको तू 2 से मल्टीप्लाई कर दे डबल हो गया। तो तेरे सामने सामने डब्ल्यू की वैल्यू क्या है ये कितना देख 39 प्लस 2 से गुणा किसको तो ये 18 और ये 78 नो राट कितने हुए 17 10 रे के 11 आंसर आ गया 117 डिग्री डब्ल्यू। यस इसका मतलब क्या है ओ भाई 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 सुन 39 डिग्री सेल्सियस का हो चाहे 117 डिग्री डब्ल्यू ये तरीका होता है ऐसे करने का। बिल्कुल स्केल बड़ा कॉन्सेप्ट जो चीज है पूरी होगी स्केल की बात ये दोस्तों आपकी स्केल गाड़ी होगी। आगे चलो भैया ये एक सिंपल क्वेश्चन है एक हम सब जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या दोस्तों कि जब भी किसी वस्तु गर्म करते हैं तो उसके हर पैरामीटर डायमेंशन सब बढ़ेंगे सारी डायमेंशन में इंक्रीमेंट हो जाए। सीधी सी बात अपवाद केस की बात नहीं कर रहा मैं कुछ अपवाद केस आएंगे नॉर्मली हमें कहेंगे गर्म करने पे आपको मीटर जो है ना मीटर स्केल मतलब जो डायमेंशन है यस लेंथ की डायमेंशन है ना लेंथ है उसकी विड्थ है या लेंथ मतलब लंबाई सब मीटर मीटर यस यस जिसकी मीटर यूनिट है ना उस सब में इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वो कहता है इसको यदि अपन गर्म करेंगे तो भैया D1 D2 सब चेंज बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे गांठ बांध लो गर्म करने से भाई चीज फैलती है बात ही पड़ी है यार। यस दुनिया की रीत है ना। आगे चले चलो भैया फिर आ गया एक बीकर में 4 डिग्री पे पानी भरिए पूंगा अब आपको यही गलत हो गया आपका। दोस्त सुनो 0 डिग्री से किसी वस्तु को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो अपन कहते हैं कि डेंसिटी घटती है तरीका होता है। बिल्कुल लेकिन पानी में इसको बोलते हैं असंगत प्रसार अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन। पानी अबे पानी की नेचर है भगवान की दया से क्यों है क्यों मछली जिंदा रह नहीं पाती थी पानी में क्वालिटी नहीं होती तो मछलियां सारी झील जमती तो सारी मछलियां मर जाती बेचारी जितने भी जलीय जीव जलीय मछली वही जीवन उसी पे। दोस्तों पानी में क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है और 4 डिग्री से बाद फिर आगे जितना भी आप बढ़ाओगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो कहने बिल्कुल सही बात है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ाओगे टेम्परेचर तो रूल क्या कहता है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए बट पहले वॉल्यूम घटता है। 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है दोस्तों मिनिमम दोनों थोड़े से अपन शायद बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री तक रूल क्या कहता है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन पानी में जी बिल्कुल अलग है अलग है तो पानी में उल्टा होता है पानी में दोनों 0 से 4 तक तो बढ़ेगा घटेगा और 4 के बाद वापस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा 4 के बाद वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 4 पीस का वॉल्यूम है और न्यूनतम यस यस वो मिनिमम है तो दोनों तरफ यस यस वो बहुत बात की बात है। डेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि 4 डिग्री पे पानी का डेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम तो डीएनए क्या कहता है एक बीकर में 4 डिग्री पे पूर्ण पानी से छलकेगा 4 डिग्री पानी है ना यस इसका टेम्परेचर कम करोगे तब तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दोनों स्थितियों पानी छलकेगा। तो जब गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए दोनों स्थितियों में दोनों परिस्थितियों में दोस्तों पानी बाहर आएगा। बिल्कुल यहां थोड़ा सा शायद तू बात को पकड़ नहीं पाया इसलिए कंफ्यूज होने की कोशिश हुई लेकिन हुई हुई नहीं अपन सुनो 0 डिग्री से आगे की तरफ जाएंगे ना बाकी कोई पदार्थ हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा पर पानी में 0 से 4 पे तो पहले वॉल्यूम घटेगा 4 पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ले अपन बच्चे की थोड़ी और बात कर दें इधर अपन टेम्परेचर ले ले इधर अपने वॉल्यूम ले ले ऐसे कर ले ले यार ऐसे कर ले खुश बिल्कुल बिल्कुल
और डेंसिटी का करेगा तो डेंसिटी का इस पे उल्टा कर दे। यहां पर डेंसिटी क्या होगी तेरी? मैं इसमें सोच लगा कि इस तरफ यस बिल्कुल, इसीलिए झील जम भी जाती है तो नीचे पानी रहता है, कुछ रहता है इसमें। आप समुद्री जीव जो भी मछली बोलते हैं वो जिंदा रहती है। ये देखो भगवान कितनी बड़ी चीज है, ये क्वालिटी पानी में क्यों दी? क्योंकि उसको पता है पानी में जीव जंतु रहने। दोस्तों ईश्वर बहुत बड़ी चीज है, मैं यहाँ थोड़ा सा बहुत अलग पढ़ना चाहता हूँ, उसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है भैया। जब तक पूरा पानी नीचे में गाना था तब तक नीचे पानी रहेगा रहेगा रहेगा। आगे चले, इसमें एक सिंपल ट्रिक भी है बहुत। वैसे अपन लिखते हैं पानी, यस अपने पानी लिखा, पानी का पहला वर्ड क्या है? चार। चार हाँ, अब अपन लिखे चार है हाँ, तो बच्चे को दिमाग में तो चार अपना रो सही, तो चार डिग्री पर रो मैक्सिमम होता है सही। यस थैंक यू, वॉल्यूम आपका होता है। क्या बात है, क्या बात है। देखो हमारे किशोर ने शानदार ट्रिक्स मार रखी है। ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन का एक्सेप्शन केस। आगे चले पुत्र, यस फिर आ जाओ। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है सिंपल सा, तो पेज खाली कर इसमें बात करेंगे पहले अपन। आ जाओ भाई, अब अपन थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। देखो डियर ध्यान सुनो, ये कोई एक रोड है जिसका इनिशियल लंबाई एल नोट है। इनिशियल का मतलब यहां जीरो डिग्री से है, जीरो डिग्री ये मतलब थोड़ा सा एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, माना कि जीरो डिग्री पे लंबाई उसकी एल नोट है। अब मैं इसको जैसे गर्म करूंगा, मैं उसका कलर चेंज कर दूं, मैं इसको जैसे गर्म करूंगा स्पोज में बढ़ के इतना होगी, इतना हो गई तो कितना बढ़ा? डेल्टा एल, डेल्टा एल, और इस लंबाई को मैं एल टी कह सकता हूं। yes. तो देखा जाए सर, बोल भैया, तो एल टी क्या हुआ? एल नॉट प्लस प्लस डेल्टा एल हो रहा है। एल टी का मतलब किसी टी डिग्री पे लंबाई बढ़ी। कॉमन सेंस की बात है, गर्म करंट बढ़ेगी ना यार। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दो कार्य कर ले, तो तेरी व्हाट इज एल टी? एल टी क्या होगा? एल नॉट प्लस एल नॉट डेल्टा। हाँ यस, क्लियर हो गया। हाँ, L P equal to क्या है? L नोट प्लस डेल्टा, डेल्टा L। अब डेल्टा L कितना है? अब इसके ऊपर अपन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। yes. ये दोस्तों क्या है, ये डिपेंड करता है इस पदार्थ की नेचर पे, नेचर पे और इसकी लंबाई, लंबाई की। ये अल्फा एक शब्द आएगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। वो डीएल कितना होता है? वो जो तेरा डेल्टा L है वो अल्फा डेल्टा टी एल नोट, एल नोट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा थोड़ा सा यहां ध्यान से बैठ जाए, डेल्टा एल जो बढ़ेगा वो एल नोट कितना है? बिल्कुल, उसका नेचर क्या है? नेचर क्या है? और डीटी का ये टी टाइम नहीं रह जाता, ताप में परिवर्तन। ये इसको कोई डीटी कहता है, कोई डी थीटा कहता है, हम कहते हैं ताप में परिवर्तन, परिवर्तन है। तो दोस्त जो पूरी लिखे, तो व्हाट इज एल नोट? एल 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 टी एल नोट प्लस ये क्या? अल्फा एल नोट डी टी। और दोस्तों याद ही रखना है यार, वन प्लस अल्फा डी टी, बस दैट वन इसको यार। एल टी इक्वल टू एल नोट कोष्ठक में वन प्लस अल्फा डी टी। अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एल नोट है इनिशियल लंबाई, एल टी है टी डिग्री की लंबाई, और डी टी क्या है? चेंज। अब एक बात यहां सुनना, डी टी चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यदि इनिशियल जीरो है तो फाइनल कर दो, फाइनल एल नोट कुछ और है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वहां पर आ जाएगा। अब मैं इसको मिटा के इसका कॉमन फॉर्मूला के लिए, तो एल नोट टी इक्वल टू एल नोट वन प्लस अल्फा अल्फा डी टी। अब अपन थोड़ी सी बात को और मॉडिफाई करें, तो एल टी इक्वल टू एल नोट अल्फा डी टी, एल टी माइनस एल नोट एल नोट अल्फा डी टी। तो व्हाट इज अल्फा? एल टी माइनस एल नोट अपॉन एल नोट डी टी। दिस इज क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल नोट डी टी। अब अल्फा का मतलब क्या हुआ? ये कौन है? लंबाई, लंबाई परिवर्तन। ये कौन है? लंबाई, लंबाई लंबाई खत्म होगी। तो दोस्तों अल्फा का मात्रक आएगा हमेशा पर डिग्री सेल्सियस, इनवर्स। आगे नीचे, आगे नीचे और उसको हम गर्म करें तो भाई उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो कहने का मतलब लेंथ भी दो जगह चेंज होगा। तो यहां दोस्तों बीटा कहेंगे, यहां एरिया आएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट कर दूं, ए टी इक्वल टू ए नोट वन प्लस बीटा डेल्टा।
दिस इज क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, इंग्लिश बहुत प्यारा शब्द है इसका, सरफेस एरिया सुपरफिशियल, सुपरफिशियल इसका एक शब्द है, प्रॉपर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा, यदि मेरे पास कोई गोला है इसको मैं गर्म करूंगा तो इसका लंबाई बढ़ेगी, चौड़ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसको दोस्तों कहें गामा, तो वो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट वन प्लस गामा DT। मैं मेरी क्लास के बहुत सुंदर चीज पे आ रहा हूं, अब उनको मिटा दूं मैं, पुत्र किशोर मेरा साथ है भैया, LT इक्वल टू L नोट वन प्लस अल्फा DT, A नोट AT AT बराबर इक्वल टू A नोट वन प्लस बीटा बीटा DT, और VT इक्वल टू V नोट वन प्लस गामा DT, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा में लंबाई तीन बार आएगी, बीटा में लंबाई दो बार आएगी। दोस्तों अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालना हो एक दो तीन हो जाए, एक दो तीन की बात है। और थोड़ा सा मैं किशोर पुत्र इसको और मॉडिफाई कर दूं, यदि ये एक वायर है इसमें आई करंट फ्लो होती है, ये गर्म होता है, गर्म होता है तो इसमें उष्मा पैदा होती है, हीट से आप जानते हो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है आर टी इक्वल टू आर नोट वन प्लस अल्फा डी टी, दिस इज प्रतिरोध ताप थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सब एक ही है। यदि मैं इसको मिटा दूं, मैं चार्ल्स के नियम पे आऊं, यस गिलुसे के नियम पे आऊं, यस तो क्या कहता है चार्ल्स का नियम है, वी इक्वल टू वी प्लस अल्फा टी, यस क्या कहता गैलुसे का नियम, P इक्वल टू P नोट वन प्लस बीटा T, सल्टाओ सारे हमारे साथ यार, इसके अलावा कोई चेंज है ही नहीं। हाँ एक चेंज इसमें और हो सकता है, यदि वॉल्यूम की बात तुम कहीं करो VT इक्वल टू V प्लस अल्फा डेल्टा T, यदि दोस्तों इसको आप रो में चेंज करो तो रो रो वो माइनस गामा T हो जाएगा, डेंसिटी उसके गामा 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 कह सकते हो वॉल्यूम में, तो गामा ये लो चेंज हो जाएगा क्योंकि रो में ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। बातों को पकड़ो यार, है ना, बिल्कुल ये कुछ चीजें थी। तो कहने का मतलब ये है, बात को समराइज करें कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यहां हम मूल बात करेंगे ठोस की, गैस की बात हम कहां करेंगे अगले एपिसोड में, गैस के गतिमात्मक सिद्धांत में, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और लिक्विड की बात को सबसे कॉमन सी कर ले, मिक्स से होता हो बोलो हाँ या ना। अब आप शुद्ध आ जाओ, क्या कहता है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो यहाँ थर्मल एक्सपेंशन की बात शुरू होगी, तो जो हमने थोड़ी पढ़ाई उस पे अपने क्वेश्चन को लेते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, वो कहता है टू लेंस ऑफ L1 L2 आर मेड ऑफ मटेरियल व्हिच कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर अल्फा और बीटा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, इसका अर्थ सुन क्या है ये प्रश्न प्लीज बोलो आप यार। एक L1 लंबाई की रोड है, एक L2 लंबाई की रोड है, एक का एक्सपेंशन अल्फा 1 है, एक का अल्फा 2 है, वो कहता है कि L1 भी बड़ी, यस L2 बड़ी, लेकिन दोनों की लंबाई का डिफरेंस जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, बात सुनना, तो डिफरेंस क्या होता है यार, अभी पढ़ाया आपको मैंने, LT इक्वल टू L नोट अल्फा dt, डिफरेंस व्हाट इज डिफरेंस, LT माइनस L नोट इक्वल टू L नोट अल्फा dt, ये दोनों का बराबर है। हाँ। इसका मतलब लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट, तो एल नोट वन को तो करना पड़ेगा L1 इसको करना पड़ेगा अल्फा 1, ये तेरा डीटी, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, L2 अल्फा 2 डीटी डिपेंड नहीं करता, ये कैंसिल आउट हो गया, तो तेरे सामने सामने L1 अपॉन L2 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। आप फिजिक्स तकरीबन नहीं पढ़े, यस देखो एक बात गांठ मानो स्टूडेंट, फिजिक्स नहीं होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, प्रैक्टिकल लाइफ है, एक क्षण फैली दूसरी क्षण फैली, दोनों का डिफरेंस है, वो टेम्परेचर का दे चेंज नहीं होता है, तो आपके सामने कुछ आ गया, आप किस ओर से 7 के बाद अपन 9 पे आते हैं, 8 को छोड़ते हैं, देखो 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, 9 नंबर क्वेश्चन वही है, 7 कहता है एक क्षण L1 लेंथ की है, दूसरी L2 लेंथ की है, दोनों को ऐड कर दिया, एक का अल्फा 1 अल्फा 1 और एल्यूमिनियम एस को स्टील कर दिया, उस छड़ को मिला दिया और 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो प्रत्येक छड़ की लंबाई समान वह है, तो लंबाई समान इसका मतलब वृद्धि क्या होगी, बराबर बराबर होगी, ओके डियर, तो L1 अपॉन L1 प्लस L2 पूछ रहा है। ओ लड़के अब इसको बार बार नहीं पढ़ना, पेज खाली करना, अभी पढ़ा दिया तेरे को मैंने, L1 अपॉन L2 बराबर L2 अपॉन L1, यस मेरे को आंसर निकालना है ना, यस तो एक काम कर इसको ऐसे कर दे, L2 अपॉन L1
अल्फा वन अपॉन अल्फा टू, एक यहां ऐड कर दे एक यहां ऐड कर दे, ये गणित है मैं कुछ नहीं कर सकता। एल वन अपॉन एल टू अपॉन एल वन इक्वल टू अल्फा ए अल्फा टू अपॉन अल्फा टू। आपको एल वन पूछा इसके ऊपर एल वन प्लस एल टू इक्वल टू अल्फा टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, टू इसने लिया है एस को अल्फा एस अल्फा ए प्लस अल्फा एस, कुछ निकालना भैया अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस, आंसर दोस्तों थर्ड हो गया इसका, अल्फा एस ऊपर है आपको इन क्वेश्चन में अलग से एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आप एक बात गांठ बांध लो, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आएंगी डियर तो आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन क्या बना कि दो छड़े हैं, एक एल वन है एक एल टू है, एक अल्फा वन है एक अल्फा टू है, सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ लेंथ में सेल इंक्रीमेंट होता है। सीधा पंडा है एल वन अल्फा वन इक्वल टू एल टू अल्फा टू, अंदर घुसा ले पहले बड़ी। अब क्वेश्चन आठ पे आते हैं, पहले वापस आठवां क्वेश्चन देख ले पुत्र, ये सेम क्वेश्चन है सेम, और आठवां क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन पे है, थोड़ी सी बात बढ़ा दी। पहले तो भाई एक बात गांठ सुन लो कि 86,400 सेकंड होते हैं एक एक दिन, याद रख ले भैया 86,400 सेकंड एक दिन में होते हैं। अब इस प्रश्न पढ़ते हैं अपन, देखो देखो डियर इस प्रश्न को पढ़ने से पहले सिंपल बात है, ये कोई पेंडुलम है तो अपन जानते हैं इसका टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2π√LYg। अब यदि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये डिपेंड हो गया ना, लेकिन स्लो हो जाएगा लेंथ टाइप और टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब है स्लो। तो देखो इंग्लिश शब्द तो है स्लो और फास्ट, हाँ हिंदी बड़े गंदे शब्द है सुस्त और चुस्त, स्लो का मतलब होता है सुस्त, फास्ट का मतलब चुस्त, तो ये सुस्त हो जाएगा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, एक स्लो और फास्ट है, एक हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है सुस्त हो जाएगा या चुस्त हो जाएगा, ये सुस्त हो जाएगा। कैसे एक आदमी पीएमटी में एक साल लगी, एक को दो साल लगी, सुस्त कौन सा हुआ, दो साल वाला सीधी सी बात है यार। ओके डियर, अब इस क्वेश्चन पे आ, ये क्या कहता है, एक कोई क्लॉक विथ ए मेटल पेंडुलम है बीटिंग सेकंड कीप्स करेक्ट टाइम 0 डिग्री सेल्सियस इफ इट लॉसेस 12.5 सेकंड ए डे एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री टेम्परेचर पे वो एक दिन में 12.5 सेकंड मंद यानी लॉस एरर आ गया, क्या आ गया एरर आ गया, तो कहता है उसका अल्फा बताओ। यार सुन 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 सुन, ये तो कहानी अलग है, ये तो कहानी अलग है, तो कहानी अलग है, कहानी अलग है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ओ मेरे पुत्र डेल्टा टी अपॉन टी वन बाई टी डेल्टा एल बाई एल, ये टू नीचे आ गया बिल्कुल, हेलो बोला यार डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू वन बाई टू डेल्टा एल बाई एल, आजा 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 लड़के, डेल्टा एल क्या है अल्फा अल्फा एलो डॉट डी टी बोल है, यस डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नोट डी टी, आजा जी डेल्टा एल अपॉन एल नोट क्या है अल्फा डी अल्फा डी टी, अरे यार मजा आ गया इसे तो एक बट्टा दो डेल्टा एल अपॉन एल क्या है अल्फा डी टी, अल्फा डी टी, और मुझे केवल डी टी चाहिए तो टी से मल्टीप्लाई कर दे इसको, ओके तो तेरे सामने अल्फा चाहिए तेरे को, मिटा दो मिटा दो, अरे यार थैंक यू थैंक्स फॉर डिस्कशन। तो व्हाट इज अल्फा, तू दो ऊपर ले जा, डी टी ऊपर रखे, डी टी नीचे रखे, टी नीचे रखे, यस दो तो दो है, डी टी कौन है, डी टी कौन है समय में चेंज 12.5, यस 12.5 डी टी कौन है टेम्परेचर में चेंज, वो कितना है 25, और टी कितना है 86,400, 25 से 25 काटते 86,400, ये ले 1/86,400 पर डिग्री सेल्सियस, ये है क्वेश्चन रिप्लाई किया, यस आया बात समझ आ, अब आगे चलते हैं, थैंक यू। तो क्वेश्चन पुत्र 10वां क्वेश्चन, अरे तो वो आ गया वही, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, तो वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस भी वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम है, 4 डिग्री 4 डिग्री कौन सा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस की बात है इसका, ओके डियर चला गया पुत्र क्वेश्चन 11 आया, ये क्या कहता है, अब देख अब ये थर्मल एक्सपेंशन पे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, शुरू करें बेटा, वो कहता टू यूनिफॉर्म ब्रास रोड ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 2L रेडियस 2R एंड R रेस्पेक्टिवली आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए दैट ऑफ बी, देखो सीधी सी बात है यार, देखो कहता है छड़ है,
एक ही लंबी चित्र बना ऐसे नहीं भाई, अपन क्या डायग्राम के बिना कोई बात नहीं करते। 10 और ये 12, थोड़ा प्रैक्टिकल लगी चीजें। 12 इसकी रेडियस 2r, 2r इसकी रेडियस r, r लेकिन पता कर दिया तो सुनने के लिए। एल और 2r, 12 और r, यस, इनको सेम टेम्परेचर गर्म किया तो इनके वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा? एक बात ध्यान सुन ले यार, वॉल्यूम होता है लेंथ गुणा लेंथ गुणा लेंथ, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। बट जैसे जब भी रेडियस और लेंथ दिए होते हैं तो कौन आएगा? एरिया मल्टीप्लाई है, सीधी सी बात है यार। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। यस, अब तो खुद कह रहा है कि आयतन वृद्धि कितनी है, तो डियर अपन पढ़ा चुके हैं डेल्टा वी क्या होता है, वी नोट गामा डीडीटी। गामा दोनों एक पदार्थ की है, तो गामा डिपेंड किस पे करता है? नेचर और मटेरियल, तो गामा सेम हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक पैट कॉन्सेप्ट है अपना, इक्वेशन वन इक्वेशन टू जो वेरी करते हैं उनके इक्वेशन वन टू लगाओ और इक्वेशन वन से इक्वेशन टू के डिवाइड करो। मैंने कहा था लड़के ने कहा समीकरण क्या है तो बताना, लिखा था कमेंट से, जो बदलते हैं उसके पीछे वन टू लगाओ और समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दिखाओ। ओके, ये डेल्टा वी वन, ये क्या है डेल्टा वी टू, और इसके क्या है डी टी सेम है, yes, same. और ये इसके वी वन कर दो, हाँ, और इसके वी टू, वी टू कर दो, गामा डी टी एक में दो का भाग कर दो, ये कैंसिल आउट हो गए। yes. अब तेरे सामने सामने देख, इसको बताता हूं मैं, डेल्टा वी वन डेल्टा वी टू ए वन मल्टीप्लाई एल वन ए टू मल्टीप्लाई एल टू, एरियम क्या आता है मीटर स्क्वायर। तो देख सुन, पहले क्या आएगा 2r का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर मल्टीप्लाई l1 क्या है l, l और ये क्या है 2l, 2l। तो देख डियर ये 4r स्क्वायर 4/2 और रेशियो हो गया 2:1, आंसर क्या आ गया आपका 2:1, ठीक है डियर। तो आपका आंसर हो गया इसका 2:1, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलो भैया, हां तो ईश्वर पुत्र ये एक कॉन्सेप्ट जो अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम नीट में आ सकती है, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हल्की सी है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्या क्या कहता है, वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 49 × 10⁻¹⁵ केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी व्हेन द टेंपरेचर इज राइज बाय 30। वो सिंपल बात है, फ्रैक्शनल चेंज चाहिए आपको, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा डी अपॉन डी। एक बार इसको डेल्टा रो अपॉन रो करने की बात है, जैसे डेल्टा वी अपॉन वी, ये किसका चेंज है, ये वॉल्यूम का है, डेंसिटी का है, ये डेंसिटी का है, तो आपको डेंसिटी का चेंज चाहिए। एक बात सुन, डेल्टा वी मैं तो जानता हूं, डेल्टा वी क्या होता है अपन जानते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू होता है वी नोट गामा डी टी। ओके डियर, तो डेल्टा वी अपॉन वी नोट जो है वो है गामा डी टी, बोलो हाँ बिल्कुल। अब हम कहते हैं रो इक्वल टू एम अपॉन वी, वी एम तो कांस्टेंट है, yes. तो भाई तेरा रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया वी की पावर -1, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, डेल्टा रो अपॉन रो ये माइनस नीचे आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी, यस ये है चीज, माइनस नीचे आ जाता है, चेंज माइनस हमेशा क्या जाता है नीचे आ जाता है। अब तेरे सामने सामने है, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तेरे लिए, इसको मिटा के ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा रो अपॉन इक्वल टू माइनस वी अपॉन वी, और ये तेरे सामने क्या था गामा डी टी, कैसे इसकी बात है बिल्कुल। ओके डियर, गामा क्या है 49 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁵ डी टी क्या है 30, इसको 50 बना से यार लगभग, तो 1500 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁵ तो अब इसका आंसर 1.5 में कौन सा हो गया 1.5, ये 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁵ -2, तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, अप्रोक्सीमेट लिया इसको हमने, क्योंकि ये 450 ले लिया, अब ये कैलकुलेशन है, इसको करने में कोई बुराई नहीं नहीं है। तो डियर ये आपके सामने हमारी व्यवस्था होगी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगला क्या कहता है, अब ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया भाई, नई बात स्टार्ट होगी, थ्योरी की बात पहले भूलेंगे, पेज खाली कर आज एक सुंदर चीज पे आता हूं, एक शब्द है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसके लिए किशोर थोड़ा टाइम लूंगा बच्चों आपको, मैं बिल्कुल मैंने कहा एक क्लास 2-2.5 घंटे की हो सकती है, मोल क्या होता है इसके बारे में मुझे समझाना होगा, अक्सर बच्चे मोल को लेके बहुत कॉन्सेप्ट कंफ्यूज है। देखो दोस्तों, एक आदमी कहता है मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, एक आदमी कहता है मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, और एक बंदा कहता है कि मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, इसका अर्थ समझे क्या है। यस, मोल का मतलब अणु भार के बराबर भार,
यस। मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल टू वेट है। अब मैं जानता हूं हाइड्रोजन का मोल कितना होता है, 2 ग्राम। इसका मतलब इस आदमी के पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। यस। N17 होता है 14, N2 क्या होगा 28। इस व्यक्ति के पास 28 ग्राम N2 है। Yes. और 1 मोल अमोनिया, अमोनिया का मतलब है N2 कितना हुआ 14, H 3 बार 17, तो 17 ग्राम इसके पास अमोनिया है। ध्यान दे क्लास, ये मोल वाले मामले को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तीन व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति कहता मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब उसके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन। yes. एक व्यक्ति कहता मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, इसका मतलब 28 ग्राम हाइड्रोजन है। एक आदमी कहता मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया। दूसरा कहता साहब मेरे को तो ग्राम में नहीं आता, बताओ इसका वॉल्यूम क्या है। yes. इसका मतलब है इसके पास 22.4 लीटर हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इसके पास 22.4 लीटर नाइट्रोजन है। इसका मतलब है इसके पास 22.4 लीटर अमोनिया। अगला कहता साहब मेरे को तो मॉलिक्यूल तो अणु कितने हैं, इसका मतलब है इसके पास 6×10^2 23 अणु है। इसका मतलब इसके पास भी 6×10^23 अणु है। इसका मतलब 6×10^23 अणु है। एक बात तो यहां 2 ग्राम से इतने अणु मॉलिक्यूल बने हैं, यहां 28 ग्राम से इतने मॉलिक्यूल बने हैं, यहां 17 ग्राम से इतने मॉलिक्यूल बने हैं। और कॉमन सेंस की बात है, ये सबसे हल्का मॉलिक्यूल है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल वेट बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल का मास भी बढ़ता है। हल्की गैस का मतलब हल्का मॉलिक्यूल, हैवी गैस का मतलब हैवी मॉलिक्यूल। ये तीन फॉर्मूले बढ़ गए, बिल्कुल सही। अब दोस्तों मैं मोल में कन्वर्ट करना सिखाऊं। एक आदमी कहता है मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, इसके कितने मोल हुए, तो दोस्तों दिया गया भार बटे अणुभार, उस व्यक्ति के पास 1/4 मोल ऑक्सीजन है। सुन ले बच्चे, एक व्यक्ति कहता है मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, दिए गया ग्राम को यदि मोल में चेंज करना हो तो सीधा फंडा है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना। यस, बोल बोल सामने बच्चा बोल। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1/4 मोल ऑक्सीजन। एक आदमी कहता मेरे पास 9×10^23 मॉलिक्यूल किसी भी गैस के हैं, कितने मोल है, तो आप इसमें 6×10^23 का भाग दे दो, इसका मतलब उसके पास 1.5 मोल है। और स्पोर्ट को वो कहता है कि अमोनिया के अणु है, तो बात का मजा देखिए। वो कहता मेरे पास 9×10^23 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, इसका कितने ग्राम अमोनिया है, तो मेरे पास 1.5 मोल अमोनिया है। अमोनिया कितना होता है 17, 17 प्लस आधा कितना हुआ 8.5, कितने ग्राम अमोनिया इसके पास, बिल्कुल। तीसरा कहता है कि मेरे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन है, से 11.2 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम, सॉरी 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑक्सीजन है। yes. तो दोस्तों वॉल्यूम दिया है तो इसको 22.4 से डिवाइड कर दो, ये मोल बन गए, कितना मोल, आधा मोल। इस व्यक्ति के पास आधा मोल ऑक्सीजन है, और मेरे पुत्र आधे मोल ऑक्सीजन मतलब इसके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये हो गया, दिया गया भार बटे अणुभार 1 मोल, दिया गया आयतन अपॉन 22.4 1 मोल, दिए गए मॉलिक्यूल्स की संख्या अपॉन एवोगाड्रो संख्या, इसका मतलब है 1 मोल। लो जिसी जिसी बात है। और एक सुंदर चीज पिलाऊंगा आपको, लो आओ थोड़ी सी केमिस्ट्री में टांग लाता हूं। कभी गौर किया आप लोगों ने, N2+3S2=2N3, हेबर विधि होती है ना। आपने एक पात्र में 2 गैस भर दी, N2H2 रिएक्शन करा दी, अमोनिया बन गया। अब तेरा पात्र तो बंद है ना, कुछ भी हो सकता है, पात्र में कोई गैस हो सकती है, पात्र का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। इधर यहां प्रूव हो गया 1 मोल, इसका मतलब 1 है, 1, 3, 3 और 2 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितना ग्राम है 28 ग्राम, 3 मोल मतलब कितना है 6, और ये तेरा 34 है, 28 से कितने हुए 34 ग्राम, बराबर है, बिल्कुल। इसका मतलब है 28 ग्राम नाइट्रोजन ने 6 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करके 24 ग्राम उन्हें बनाया। दोस्तों जिसको ये समझ में आ गया ना कि इक्वेशन में जो चीज मल्टीप्लाई होती है वही मोल होती है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम
और आयनिक इक्विलिब्रियम भाई साहब फुटबॉल हो जाते हैं। इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि 2096 से लेके 2000 तक चार साल जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था ना, तो केमिस्ट्री दोनों मैंने पढ़ाई थी, फिजिक्स हमने पढ़ाई थी, केमिस्ट्री हमने पढ़ाई थी, तब वहां टीचर कहां होते थे सीकर में। 96 में जब एक मिशन लेके सीकर में आए थे तो हब है शिक्षा का, ड्यू टू सीएलसी, बिल्कुल ड्यू टू सीएलसी साहब, तो वो सब ईश्वर की मेहर है दोस्तों। ओके चले आगे, तो ये बात किसके पुत्र मोल मोल। अब मैं बात करता हूं विशिष्ट सुमा, विशिष्ट सुमा स्पेसिफिक हीट क्या है, इसकी मेरे पास बहुत सुंदर छह परिभाषा है, समझो। पानी की कितनी होती है, एक होती है, लेकिन एक क्या, एक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देख भाई किशोर सुन ले यार, मैं मेरी टीचिंग का सबसे बेस्ट आप सुनने जा रहा हूं। पानी की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जिस हीट की आवश्यकता होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है, वो होती है 1 कैलोरी। इसका मतलब है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। बिल्कुल, अब मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं इसको दोस्तों। नीचे ग्राम का ग्राम रखो, डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, जहां लिखा हुआ कैलोरी वहां जूल कर दूं तो यहां 4.2 लिखना पड़ेगा। कैलोरी कोई यूनिट नहीं है, पब्लिक टप्पे मारती है तो कैलोरी सीजीएस है और किलो कैलोरी एमकेएस। कैलोरी कोई प्रपद्धति है ही नहीं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है और एनर्जी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल। तो 1 कैलोरी जहां लिखा हुआ है वहां 4.2 जूल कर दो। इसका मतलब क्या है, 1 कैलोरी हीट जितना टेम्परेचर बढ़ाएगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको सिस्टम पे 4.2 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसको कुछ किताब 4.2 और कुछ कई बार 4.18 लिखते हैं, पर गुणा भाग में 4.2 लेंगे। बोलो हाँ या ना, आगे चल। अब देख दीर, ये कैलोरी है और जहां ग्राम लिखा हुआ है वहां मोल कर दूं, अपने आप ही क्या जाएगा, 18 आ जाएगा, इसलिए मोल पढ़ाया मैंने। 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, तो 1 मोल के लिए तो हाइड्रोजन 1 मोल कितना, 18 ग्राम के लिए 18 कैलोरी। और इधर दोस्त मेरे बात सुने, तू इसको मोल कर, इसको डिग्री सेल्सियस करे या जूल करे, तो ये ले पुत्र 18 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे यार। अब इसे सुंदर चीज और क्या हो सकती है क्लास में, बिल्कुल शानदार। और आगे चलें तो पुत्र ये कैलोरी तो कैलोरी, इसको केजी डिग्री सेल्सियस करे, तो अपने आप ही क्या हो गया, ये हजार हो गया। 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, 18 ग्राम के लिए 18 कैलोरी, 1000 ग्राम के लिए 1000 कैलोरी। इसको तेरे को चेंज करना हो दोस्तों जूल में, तो 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये रियल में एमकेएस हो गया। जिसको याद करो अपने बोलते हैं 4.2 × 10³³। ये है स्पेसिफिक हीट की परिभाषाएं। नीचे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इट कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब एक शब्द आएगा थर्मल कैपेसिटी, तो दोस्तों C इक्वल टू क्या कर दो, MS कर दो, तो यहाँ C क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी। S किसके लिए था, A के लिए, M से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटी। कैपेसिटी एक बात तो यार, ये एक छोटा गोला, ये एक बड़ा गोला, ये भी कोपर का, ये भी कोपर का, दोनों कोपर के है ना, लेकिन इसका एस और इसका एस तो समान हो गया, लेकिन सी दोनों का अलग अलग हो गया, क्यों, थर्मल कैपेसिटी भैया, जिसकी ज्यादा अमाउंट है उसमें कैपेसिटी ज्यादा। अरे सुन यार सुन, एक दो तांबे की बाल्टी है, एक छोटी बाल्टी एक बड़ी बाल्टी, दोनों बाल्टी तांबे की है तो पदार्थ की नेचर सेम है, एस तो सेम है, छोटी बाल्टी में कम पानी आएगा, बड़ी बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा, तो थर्मल कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, धारिता मतलब धारण करना अलग अलग होगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये एक शब्द आ गया सी इक्वल टू एमएस। यहां लगे हाथी, मैं तेरे को एक बात और बता देता हूं, गैस में बढ़ाएंगे पर एक सीपी होता है, एक सीवी होता है, इसका अर्थ तो क्या है, सीपी का मतलब है 1 ग्राम का गैस, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट सेल्फ है, ये आगे आएंगे बात करेंगे। सीवी का मतलब है वो 1 ग्राम गैस है, घड़ी वही है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस, आयतन को नियत रखना है, उसके रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या है, सीवी। एक सीपी होता है, एक सीवी होता है, इनकी बात अपने केटीजी में, केटीजी का मतलब होता है, सुन लो मैं बोलूंगा केटीजी, केटीजी का मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बार बार इतने बोलो पूरा भैया। अब आ जा, अब क्वेश्चन में आया अपने, अब अगले दिन वापस पीछा कर, ये देखो किसी वस्तु के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा हो थर्मल कैपेसिटी। बिल्कुल, एक बात सुनना ना भैया, एक बात होंगे, यस सुन दो ध्यान से,
10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है? 10 यस। और किशोर यार मैं यू लिख दूं तो क्या होगा? एक बराबर परिवर्तन है। क्लास साफ है मेरे? 10 डिग्री सी का मतलब है बॉडी का ताप 10 डिग्री है, 10 सी डिग्री का मतलब है परिवर्तन, टेम्परेचर सेम है, और टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस, इससे अच्छी कोई बात क्लास में एग्जाम में हो नहीं सकती। रहे लड़का ये क्वेश्चन करता आता है और 283 करके आता है, ओ साहब सही हो गया, फिर घिमाता पकड़ता है। दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज डिग्री सी, दिस सी डिग्री, और टेम्परेचर कोई फर्क है नहीं, चेंज में कोई फर्क है नहीं पड़ता है। तो डियर अगला कहता है एक केल्विन, इसको सुने, एक डिग्री सेल्सियस कह दे चाहे एक केल्विन। एक बात और सुनना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 273 डिग्री केल्विन, गलत है दोस्तों, केल्विन के साथ डिग्री नहीं आता है। बात पे स्टैंडर्ड की ना, तो डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये 100% गलत नहीं है, बड़े सही भी नहीं है। ये लिखे हुए हैं और फिर एक पे टिक मारना ना, तो भाई सही है गलत है, सीधी बात है। ठीक है डियर, आ जा। तो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी मतलब किसी, देखो एकांक मास का करता तो इसका नाम क्या होता, स्पेसिफिक हीट, बट किसी बॉडी के लिए है। ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के, सी इक्वल टू एम एस, दिस इक्वल टू सी थर्मल कैपेसिटी। चला आगे चल पुत्र, ये याद रखना पड़ेगा भैया, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता 0.01 डिग्री सेल्सियस। एक बात और सुन ले रहे भाई, आप जो बार बार कह रहे हो ना कि क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, तो वो एक्चुअल 273 नहीं होता है, वो 273.15 होता है, तो 273 में जोड़ इसका उतना है 273.16, फिर ध्यान से इसका अभी इसका, और वो वापस आना पीछे जरा वापस आ, और ये 273 ये डिग्री आगे भी देख देख, इस डिग्री नहीं नहीं लगा हुआ, देख आगे चले चल। ये उबलता हुआ जल भाप में परिवर्तन हो रहा है, इस अवस्था में अब नई बात आ गई। बिल्कुल भाई साहब, बहुत सुंदर चीज पे आ गया हूं मैं, इस टॉपिक का अगला सुंदर मैटर। बिल्कुल देखो दिए, दो शब्द आएंगे, गुप्त उष्मा, देखो तीन शब्द है, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट। हीट का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबके मात्र क्या है, जूल। अब जूल में क्या फॉर्मेट चेंज होता है, बात है, ये एनर्जी को शो करता है, जिसको अपन एक तरह से क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपन पावर को कई बार कहते हैं पावर, बराबर क्या होता है, जूल बाय टी, तो कई दोस्तों क्यू इक्वल टू पी टी भी कह सकते हैं। धन का आंसर है भाई, ये चीज है, ये काम आया पता रहेगा। आ जाओ डियर क्या कहता है, पेज खाली कर, मैं मेरी इस क्लास का एक और श्रेष्ठतम चीज आपको देने जा रहा हूं। ये मेरा एक सुंदर सा ग्राफ है, इधर टी है, इधर कुछ टेम्परेचर, मेरे पास एक पदार्थ ठोस अवस्था में है, बर्फ ले लो, ठोस अवस्था में है, एक भगोनी है, उसमें बर्फ रखी हुई है, नीचे हीटर लगा हुआ है, और नियत रेट से वो हीटर उस बर्फ को हीट दे रहा है, दे रहा है। ये धारणा पड़ेगा इसमें, नियत दर से, बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट से वो उसको उष्मा दे रहा है। तो डियर बर्फ का मतलब ठोस है, ठोस से मैं लिक्विड बनाऊंगा, लिक्विड से मैं वेपर बनाऊंगा, और वेपर से सुपर हीटेड वेपर, बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से अति तप्त वाष्प, आइस, वाटर, वेपर एंड सुपर हीटेड वेपर। सुन बच्चे, ये टाइम है, यस, तू नीचे से बर्नर ऑन किया तो पहले भाई इसका बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ता है, और कहां तक बढ़ेगा इसका टेम्परेचर, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक। बहुत प्यारी बात आ गया, बिल्कुल, एक पात्र में मानो कि ठोस अवस्था बर्फ है, हमने उसको गर्म करना शुरू किया कॉन्स्टेंट रेट से, समय बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा पुत्र, जब तक वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, जिसका शब्द है फेज कन्वर्जन। जब तक ये पदार्थ अवस्था परिवर्तन की हो, जैसे ही ये बर्फ पानी बदलना शुरू हो जाएगी, फिर दोस्तों अपना कलर चेंज कर लेते हैं इसका, इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, वो टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा पुत्र, जब तक वो सारा का सारा सोलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता है। तो यहां जो तू हीट दे रहा है वो कहां गई, लेटेंट हीट में, यहां हीट किसमें है, ऐसे में ताप में परिवर्तन। दोस्तों ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ओ पे सारा ठोस है, ओ से ए ठोस पिघलना स्टार्ट हो गया, ठोस भी है लिक्विड भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ओ से ए पूरा ठोस है, ए से ठोस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, ए से बी तक ठोस और लिक्विड
मिक्स है, बी पर सारा क्या हो गया लिक्विड। जैसे सारा ठोस लिक्विड चेंज हो जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू स्टार्ट होता है। ये बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये दोस्तों कहां तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट तक। और जैसे ही उबलना शुरू हो गया दोस्त फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और जैसे पूरी उबल जाएगी वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यह है दोस्तों रामायण बहुत शानदार। बी सी डी ई आया व्यक्ति सो यहां बात करते हैं रुक के। बिल्कुल ओ से ठोस, ठोस का ताप, ए पर कंप्लीट ठोस, ठोस ए से बी ठोस और लिक्विड का मिक्सर, मिक्सर बी पर पूरा लिक्विड, बी से सी लिक्विड, सी पर पूरा लिक्विड। पानी की बात करें तो 100 डिग्री का पानी, डी पे 100 डिग्री की वेपर, सी और डी पे वाटर और पेपर का मिक्सर, डी से ई कौन सुपर हीटेड वेपर। यस जी अब एक बात सुनना, यहां जो तू हीट दे रहा ओ से ए वो खर्च हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने में, ए से भी जो हीट दे रहा है वो चेंज हो रही है फेज चेंज होने में। तो यहां काम आएगा क्यू इक्वल टू एम एस बी सी, यहां काम आएगा क्यू इक्वल टू एम एल। तो मैं आपसे कहूं कि पथ ओ ए पर क्यू क्या होगा, तो पथ ओ ए पर क्यू होगा एम एस बी टी। पथ ए बी पर क्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे एम एल। और दोस्तों पथ ओ ए बी पे पूछे क्यू, तो ओ ए बी पे क्यू जो है वो एम एस डी टी प्लस क्या हो जाएगा रे एम एल। और एक आप याद है बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, गुप्त ऊष्मा और वेपर की 540 ये सब जानते हो। ये है दोस्तों रामायण ओ से ए क्या है पुत्र बोलना, इसी ताप में परिवर्तन एम एस डी टी, ए से बी एम एल और ओ से बी जाओ तो एम एस डी टी प्लस एम एल। बिल्कुल स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है भैया, किसकी होती है सुपर हीटेड वेपर की होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा है वो नेगेटिव भी हो सकती है, किसकी सुपर हीटेड वेपर। एक नेगेटिव और भी होती है आइस की, कितनी होती है आइस की तो हाफ होती है, प्लस हाफ होती है आइस की, प्लस हाफ कब है जब टेम्परेचर माइनस में हो। पूरी बात सुन रहे अभी क्वेश्चन कहूंगा मैं, यदि बर्फ माइनस टेम्परेचर में है तो प्लस हाफ, बर्फ जीरो पे है तो पानी हो गया एक। दाना पानी की तीन होती है, पानी की एक भी होगी yes. पानी की आधी भी होगी और पानी की नेगेटिव भी होगी हाँ. क्योंकि अतिथ तब भाप क्या है भाई सुपर हीटेड वेपर है तो पानी ना देखा हाँ. जाए तो yes, एक फॉर्मेट चेंज हो गया अगले का, इसलिए ये अलग चीजें सारी भैया। तो ये दोस्तों एक हमारे बिल्कुल तीन चीजें आए ना पानी के लिए, एक तुम्हारे पास आइस हाँ और दूसरा हो गया अपना वाटर यस और एक हो गया अपने वेपर यस। पुत्र इन तीनों की जो स्पेसिफिक हीट है सिंपल, जैसे आइस को बोलते हैं आइस ही बोलते हैं दरअसल हाँ, तो आइस में तो आधा आधा पानी में से पूरा हाँ, मतलब इसका वन हो गया हाँ, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये तो कितना आधा मतलब 1/2 / 0.5, ये अब दो याद रहती है, ये होती है आपकी 0.47। ठीक है बिल्कुल कर सकते हो, ये तीनों डाटा हमेशा बच्चे को याद करने ही नहीं पड़ेंगे। और सुपर हीटेड में कंटेंट जाती है वो फिर अलग, वो तो इतनी बात याद रखो नेगेटिव भी हो सकती, ये बात आती है ट्रू और फॉल्स में। बिल्कुल ठीक है डियर, तो ये आपका एक सुंदर सा ग्राफ आपके सामने बढ़ गया। अब इस ग्राफ पे कई सारे क्वेश्चन आएंगे उनकी बात करेंगे, ये मिटाया। अब क्वेश्चन में आ, ये क्या कहता है उबलता हुआ जल भाप में परिवर्तित हो रहा है। आजा मेरे साथ हो जा, कहां खड़ा है ये, यहां से यहां तक क्या है पानी, पानी यहां पर क्या है वेपर गिरा, ये उबलता हुआ पानी भाप में गिरा, उबलता हुआ पानी भाप में चेंज हो रहा है। बिल्कुल, और यहां तू जानता है कि ऐसा होता ही नहीं है ताप में परिवर्तन, यस यस क्यों नहीं होता कि दोस्तों डी क्यू बराबर एम एस डी टी, तो एस इक्वल टू डी क्यू बटा एम डी टी, डी टी क्या है जीरो, तो एस क्या हो गया इन्फिनिटी। आपने पढ़ी बिल्कुल, ये समझाया पूरा मैटर आपको मैंने, स्पष्ट कहता भाई कि तू ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, तो यहां पानी वेपर में चेंज हो रहा है, सी से डी में खड़ा है, सी से डी में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डी टी क्या है जीरो। ये फॉर्मूला कहां से आया ले थोड़ा समझा दूं मैं, देख डियर क्यू इक्वल टू है रियल में एम एस डी टी, इसके डी क्यू लगा दे, देख सुन एस क्या है एक ग्राम पानी का ताप एक डिग्री बढ़ाया, माना कि पानी एम ग्राम हो गया तो एम से गुणा कर दो, माना टेम्परेचर को 10-20 डिग्री बढ़ाया तो डी टी से, ये उसको दी गई ऊष्मा है। बिल्कुल, अब यदि एकांक है तो एम एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, टेम्परेचर एकांक है तो एक हो जाएगा, तो डी क्यू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, स्पेसिफिक हीट जो है
विशिष्ट उष्मा जो है उष्मा का एक विशेष रूप है। जब एक ग्राम का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाना हो तो काम होता है। ओके डियर, तो ये तेरे सामने फिर से आ गया। बट ये तभी समझ में आता है कि साहब जब बॉइलिंग वाटर चेंजिंग इन टू स्टीम इट कॉल्ड फेज कन्वर्जन, और फेज कन्वर्जन में एस नहीं होता है, मतलब सॉरी एस काम नहीं आता है, वहां डीटी जीरो होता है, वहां सारा कौन होता है एल होता है, तो इसलिए एस बिकम्स इन्फिनिटी भी आएगा। इसको अपन आगे पढ़ेंगे भी। हाँ बिल्कुल आएगा। सारे प्रकार के जो फेज कन्वर्जन होते हैं वो एक तरह से आइसोबैरिक और आइसोथर्मल प्रेशर ये आएगा। टीडी आएगा अपना। टीडी मतलब टीडी जो दो शब्द है केटीजी करंट थ्री ऑफ गैसेस, टीडी मतलब थर्मो डायनेमिक्स। ओके डियर आगे चलो ऊपर, ये ले ये आगे अपना प्रश्न बिल्कुल। अगला कहता है ठोस पदार्थ को नियत, वो मेरा क्वेश्चन है, एक सॉलिड टेम्परेचर है उसको नियत रेट से हीट दी तो क्या कहता है। ग्राफ ए बी ता सी डी भाग अवस्था परिवर्तन है, ए बी और सी डी अवस्था परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है साहब, तो ये बात तो सही होगी। तो ये बात हमें क्या चाहिए असत्य, तो किसी तरह हो गया। हाँ ठोस से द्रव में परिवर्तन ए बी से, बिल्कुल ए से बी क्या है ठोस से द्रव में, तो ये बात सही है पर हमारे लिए गलत होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ट्वाइस, ये देखो गगन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अगर खुद ही कह रहा है क्योंकि ये जो लंबाई है ना ये हीट को शो करती है, तो ये डबल है तो डबल होगी, तो ये हमने तो गलन की गुप्त ऊष्मा उल्टा बोल गया ना। हाँ उल्टा हो गया, तो ये भी तेरी नहीं, गलन की गुप्त ऊष्मा वास्तव दुगुनी, ये गलत हो गई, इसका आंसर सही हो गया, ये गलत हो गई इसका आंसर सही हो गया। और द्रव से वाष्प में सी डी, बिल्कुल सही, सी डी कौन है द्रव से वाष्प, तो ये मैंने पूरा समझ लिया आपको, ये ग्राफ उसके पल्ले पड़ गया ना उसके नया पार है। आगे चलो पुत्र फिर आ जाने, फिर आ गया। अगला साफ कहता है टू सब्सटेंस ए एंड बी तेरे सामने, ये देखो इसको ध्यान से पढ़ लो आप। वो कहता मास एम आर हीटेड यूनिफॉर्म रेट 6 कैलोरी पर सेकंड अंडर सिविलर कंडीशन, यानी 6 कैलोरी पर सेकंड इसको उष्मा लगातार दी जा रही है। छोड़ दो डीक्यू बाई डीटी क्या है कॉन्स्टेंट, पावर कॉन्स्टेंट, डीक्यू बाई डीटी कॉन्स्टेंट कितनी है वो 6। अब ये क्या कहता है ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम दिस दिस रेशियो हीट अब्सॉर्ब्ड एच ए एच बी बाय देम ऑफ कंप्लीट फ्यूजन। देखो दोस्तों साफ कहता है समान मास एम के दो बॉडी है, 6 कैलोरी पर सेकंड की दर से इनको गर्म किया जा रहा है, दोनों की परिस्थितियां अन्य परिस्थितियां क्या है समान समान, दोनों के ताप आपके दिखा दिए, पूर्ण गलन के लिए अवशोषित ऊष्मा अनुपात एच ए बाई एच बी है। ठीक है डियर, एच ए बाई एच मतलब क्या हुआ ऊष्मा जो एच ए बाई एच क्यू बाई टी, क्यू बाई टी क्यू क्या आ रहा है समान है समान, तो टी चेंज कर ले यार, तो ए में देख ए इतना है ना यहां से यहां, अब इसमें दिक्कत एक पकड़नी कौन सी लाइन को है, तो पकड़नी इस लाइन को है बस, फेस कन्वर्जन बस, तो ये कितना आ रहा है समय 6, ये कितना है 2, यहां समय कितना काम आया 4, यहां कितना है 6.5, 6.5 से कितना 2.5, तो दोस्तों 4/2 आंसर है इसका, 4/2 का मतलब 40/25, 40/25 का मतलब हो गया दोस्तों 8/5 पर ये का कुछ है इसमें, लेकिन दिक्कत है इसको ही तू पकड़ा, मुद्दे की बात ये है ये पार्ट किसको बताता है साफ कहता है, साफ कहता है रेशियो हीट अब्सॉर्ब्ड कंप्लीट फ्यूजन ओनली गलन की बात, गलन की बात करेगा अगला, मेरे हिसाब से बात पकड़ पा रही है आपके, तो दोस्तों बहुत शानदार ग्राफ है। आगे चलो भैया फिर आगे, एक बर्फ का ब्लॉक -8°C पर है धीरे धीरे गर्म किया 100° के भाप में बदलता है, तो निम्न कौन सा ग्राफ सही है भैया बताओ, कौन सा ग्राफ सही होगा भैया, फर्स्ट हो जाएगा, बात ही नहीं पहले माइनस में ना, हाँ बोले माइनस में कोई दिक्कत, पहले टीसी होगा उसके बाद पीसी होगा, पहले टीसी टेम्परेचर चेंज, हाँ यहाँ उल्टा दे रखा है, हाँ दो तो ऑप्शन है, बताओ इसमें कैसे कंफ्यूज हो जाए, इसे कंफ्यूजन यहाँ पहले क्या हो रहा है यहाँ हो रहा है फेज कन्वर्जन सर, जबकि यहाँ पहले -8°C होना पड़ेगा, सही, तो पहला टीसी पार्ट है वो ओनली फर्स्ट में फर्स्ट होगा, ये धारणा चीज का इसमें इसलिए हम डिस्कस किया, इसका आंसर ये नहीं होगा, कंफ्यूज होता है इसके अंदर। आगे चलो, तो इससे पहले क्वेश्चन करते हैं पढ़े, एक पेज खाली कर लो, मैं आपको क्वेश्चन करता हूं एक, वो कहता है -5°C की 1 ग्राम आइस को करेक्ट बिल्कुल 20°C के वाटर में चेंज करने के लिए बताओ कितनी हीट चाहिए, लो यार सुनो भैया बिल्कुल, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, -5°C की आइस है 1 ग्राम आइस है, उसको कहां लेके जाना है 20°C के वाटर में, ध्यान सुनो बच्चे ये क्या क्या होगा रे, सबसे पहले -5°C की बर्फ को आपको चेंज करना पड़ेगा 0°C की बर्फ में, फिर 0°C की बर्फ चेंज होगी 0°C के पानी में, फिर 0°C का पानी चेंज होगा 20°C के पानी में, ये है प्रक्रिया इसका, बोल बिल्कुल
अरे प्योर मक्खन है यार, क्लास चलती है शानदार। माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में, बर्फ 0 डिग्री की बर्फ चेंज 0 डिग्री के पानी में, 0 डिग्री का पानी चेंज होगा 20 डिग्री के पानी। यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां क्या काम आएगा? MSDT। यहां क्या काम आएगा? ML। यहां क्या काम आएगा? MSDT। यहां M कितना है? 1 ग्राम। S कितना है? आधा। बस ये सुंदरता है। माइनस में जब बर्फ होती है तो S क्या हो जाती है? आधी। पता है कैसे होती है? ड्यू टू एच बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बंधन। बहुत सारी चीजें हाइड्रोजन बंधन के कारण होती है। देखो दोस्तों, बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है ना, फिर भी बर्फ पानी पे तैरती है ड्यू टू एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के कारण क्या, वो थोड़ा सा एक कंकाल सा, एक जाल सा बन जाता है और थोड़ी सी वो हल्की हो जाती है। बहुत तेरा बॉन्ड कह रहा हूं ड्यू टू एच बॉन्ड। ओके, डीटी कितना? 5 प्लस एम कितना? 1। एल कितना? 80 प्लस एम कितना? 1। एस कितना? 1। डीटी कितना? 20। ये तेरा कितना है? 2.5। ये कितना है? 80। ये कितना है? 20। तो दोस्त तेरे सामने कितना आ गया? 102.5। ये तेरे पल्ले पड़ गया ना तो मेरी गारंटी नीट में तू कहीं मात नहीं खा सकता। माइनस 5 डिग्री सेल्सियस की आइस को 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है तो बताओ कितने। अब ये कौन है? कैलोरी लेकिन हाँ सब कैलोरी। ये वो जानना, ये आंसर किसमें है? कैलोरी में। बाई चांस पता लगा ऐसा आंसर नहीं है, जूल में है, तो 4.2 से गुणा कर दो। और एक बेवकूफ और भी कहता है ये बेटा पहला ऑब्जेक्ट लिख देगा 102.5 जूल। जूल 102.5 होता है जूल। ये अक्सर गलतियां होती है भाई, ये सारा खेल किसमें है? कैलोरी में है। जूल में चेंज करना हो 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। चल पुत्र आगे चल, ये तो फिक्स है यार। खाना बनाने में स्पेसिफिक हीट आपकी कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। इसी से बात कॉमन सेंस की बात है तो होगा ही नहीं। तो आगे चल पुत्र, ये लो ये आ गया। 3 डिग्री सेल्सियस पे किसी मेटेरियल की धारिता है, ये विशिष्ट उष्मा धारिता, ठीक है? Yes। इस पदार्थ का तापमान 0 से 3 डिग्री पे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, सुनो क्यू क्या होता है? क्यू होता है MSDT। अब एक बात सुनो, इधर कोई चेंज है उधर भी कोई चेंज करना होगा, तेरा एस वेरिएबल है, एस वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल कर देते हैं। तो क्या कर दो भैया? समान कहां से कहां कर दो? 0 से t तक। ये तो देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, क्यू इक्वल टू MSDT है। अगला खुद कह रहा है कि एस टी के साथ टी टाइम है, ये टी टाइम है, लो लड़के ये टी टाइम है, पक्का पक्का टाइम है। टेम्परेचर है AT² प्लस BT प्लस C। तो आप इसको समाकलन कर दो तो आप एक आगे चले तो क्या बन गया आपका? क्यू बन गया बड़ा। यस, अब तेरा कहां से कहां? 0 से t और m को बाहर निकाल ले, t नोट कर दे। एस क्या है? AT² प्लस BT प्लस C किसके सापेक्ष? TT टीटी के सामने। फिर खाली कर दे भैया, फिर खाली कर दे, ये तेरे सामने सामने कर देते हैं लेडी, कहां दिक्कत है? तो अब उसको समाकलन कर, तो क्या बनेगा? 83/3 BT² / 2 प्लस CT। CT कहां से कहां है? 0 से t नोट m से गुणा करना पड़ेगा। m से आओ, m से कर देते यार, इतना तो बच्चों बिल्कुल समझ आते हैं यार। a t नोट क्यूब / 3 बी टी नोट सी नोट स्क्वायर बाई टू और सी टी नोट मल्टीप्लाई एम। आ जा भैया, शुरू आ जा। तो ये तेरा सबको एम से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आंसर फर्स्ट हो गया। नहीं, इसमें उसमें एम नहीं है ना, एम नहीं है, एम नहीं है, सेकंड होगा उसमें एम नहीं है ना। अब ये तो कर लोगे आप। हाँ, तो कहने का अर्थ सीधा सही है दोस्तों कि यहाँ इंटीग्रेशन फिर काम किया। बिल्कुल, जब भी कोई चीज वेरी करती है और वेरी करने के बाद सबको एडिशन करना है, सबको जोड़ना है, तो एक ही रास्ता है, कौन? समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। आगे चलो, ये फिर आ जाओ भाई, ये है दोस्तों मिश्रण का मेरे कॉन्सेप्ट है सारे, फिर पूरी बात करने पड़ेगी। मैंने कहा ना इसलिए क्लास आज 2-2.5 घंटे की हो सकती है। मिश्रण का नियम का एक ही है, ली गई हीट बराबर दी गई हीट। फिर खाली कर, सीधा फंडा है, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। बिल्कुल, इसको भूलो मैं, एक सुंदर सी बात बता देगी। वो कहता है कि ये कोई टब है, इसमें एक पानी इस नल से आ रहा है, एक पानी इस नल से आ रहा है। मुझे सर्दियों का टाइम है, नहाना है यार, इस नल से पानी आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस,
इस नल से पानी आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे को 35 डिग्री सेल्सियस का 40 किलो पानी चाहिए, तो बताओ कौन से दल से कितना पानी होगा। ये मेरे उंगली भी विश्वास है भाई, सर्दियों टाइम है, 2 नल है बाथरूम में, अपने उड़ाना है, कितना पानी चाहिए 40 किलो, और टेम्परेचर कितना चाहिए उसका 35 डिग्री। एक नल से पानी कितना आ रहा है 100 डिग्री पर, एक नल कितना पानी आ रहा है 0 डिग्री पर, तो मैं कौन से नल से कितना पानी लूं। इसका दोस्तों सीधा तरीका है, ये 100 है, 100 से 35 पे आएगा, वो 0 से 35 पे, तो जो 100 से 35 पे आ रहा है वो तो हीट दे रहा है, और जो 0 से 35 आ रहा है वो हीट ले रहा है। माना कि यहां से M1 है और यहां मान लो कि M2 है, इसका टेम्परेचर मान लो कि θ1 है, इसका मान लो कि θ2 है, और θ1 मुकाबला सुनो, θ1 θ2 से बड़ा है, थीटा रिजल्टेंट मान लो तो कॉमन सेंस की बात है थीटा इन दोनों के बीच में होगा। बिल्कुल बोलो बोलो बिल्कुल भाई, 100 डिग्री थीटा वन कह दिया, उसको θ2 कह दिया, इसको थीटा कह दिया, तो कॉमन सेंस की बात है थीटा वन थीटा छोटा है और थीटा टू से बड़ा है, यानी एक से छोटा दूसरे से बड़ा। अब सुन पुत्र मेरी क्लास की सुंदर चीज, अपन सब जानते हैं dq इक्वल टू क्या होता है ms dt, ये क्यों है, लेके सुनो बराबर देगी उष्मा, तो ये उष्मा देगा, तो m कितना है 1, s पानी का होगा, d थीटा क्या है, यहां कंफ्यूज मत होना रे, हमेशा गुरु मंत्र बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है थीटा, छोटा कौन है थीटा, इक्वल टू वहां से पानी कितना आएगा m2, s बड़ा कौन है रे थीटा, छोटा कौन है रे थीटा 2, बड़ा माइनस छोटा। अब मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं तो माना कि यहां से m ग्राम पानी आया, तो यहां से कितना पानी आएगा 40 माइनस, और लड़के मेरे को टोटल 40 किलो पानी लेना है यार, तो एक से m आ जाएगा, तो खुद देख m1 क्या है m, s को ऐसे काट दे, θ1 क्या है बोल किशोर 100, थीटा किस पे आना है मुझे 35 पे, अच्छा m2 कितना है 40 माइनस m, थीटा क्या है बोलना 35, θ2 क्या है 0। बात पकड़ रहा है, मैं एक और दो मिला रहा हूं, मान तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं भाई, मैं दोनों को साथ लपेटता हूं, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ओके, इससे टोटल पानी कितना चाहिए मेरे को 40, तो यहां से m ग्राम ले लूंगा, किलो, तो m किलो बोल दे, अब देखते हैं सामने कितना है 65, कितना है 65 m इक्वल टू ये कितना है 40 माइनस m मल्टीप्लाई 30 ठीक है, दिस इज 65 m, यदि 5 और 20 आठ की 2 12 2 14 1400 हो गया माइनस 35 m, अब देख 35 इधर ले क्या 35 m उधर ले क्या, ये तेरा 1400 बटा कितना है 65, तो 1400 बटा 65 करे 35 को नीचे ले ले, तो ये तेरा 1400 और ये 35 के आसपास हो गया, ऐड होगा ना बस, चौदह किलो। तो दोस्तों 14 किलो पानी, 14 kg पानी यहां से आएगा और 26 kg पानी यहां से आएगा, बिल्कुल जोड़ तो है, मजा आ गया बात का, ठीक है, सबसे सुंदर है मिश्रण का नियम कहते हैं इसको, लाओ मिक्सर है, बड़ा माइनस छोटा, चक्कर पड़ी बात मिक्सर। दूसरी बात एक सुन ले, जब मिलाओगे ना तो अंतिम टेम्परेचर क्या होगा सेम, क्योंकि दोस्तों अलग अलग टेम्परेचर के 2 लिक्विड मिला दोगे ना, वो उष्मा का एक्सचेंज तब तक करते रहेंगे जब तक उनका टेम्परेचर सेम है नहीं होगा। ओके डियर, अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जा हटा क्वेश्चन के, आ जा, 3 द्रव्य है M1, M2, M3, इनको मिलाया C1, एक बात से मैं S बोल रहा हूं विशिष्ट को, इसी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो T1, T2, T3, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा भैया, कैसे बताओगे, अभी जो अपन क्या था ना, हाँ उसी से बात पकड़ आ जाओ, आपने कराओ तो खाली कर लो, कहीं से जोड़ दो, हाँ जोड़ दे, अभी अपन कर रहे थे, हाँ जैसे अपने पास एक पार्ट था, ये मान लो इसको मैंने वन ए मान लिया, ठीक है, ये मेरे पास है पार्ट बी, बी अब जैसे अपन इसका लिया टेम्परेचर मान लो θ1, ठीक है, इसका मैंने माना थीटा, यस ठीक है, एक अपन ने भी कहा थीटा बीच वाला है मिक्सर, हाँ, और अगर मैं ये मान लूं कि θ1 है वो θ2 से बड़ा है, सही है,
तो ये तो हीट होगा रिजेक्ट इसमें से, सही है, इसको करेगा एब्जॉर्ब हीट, बिल्कुल करेगा, ये बीच का ताप होगा, ठीक है। अब इसे इसका मास मान लेता हूं मैं कितना, m1, ठीक है। इसका अपन मान लेते हैं मास m2, मान ले इसकी स्पेस फील्ड अपने मान ली s1, और इसकी मान ले बस आलो, ओके। अब दो के लिए बनाएंगे फिर उसको सब पे लगा दें, चलो आगे चलो। तो यहाँ इसका टीम मैन का कि बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो यहाँ तो हीट कितनी निकली m1 s1, s1 बड़ा माइनस छोटा, बड़ा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा मिक्सचर इसी को इसमें आपका m2 s2 s बड़ा माइनस छोटा, ए बोल बड़ा माइनस छोटा, ये बड़ा मस्त है बस। अब यहां से इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये चला लेंगे तीन हो तीन जोड़ दो, बिल्कुल पदार्थ समान हो तो इसलिए अब सुनो, तीन लेना क्या होगा ना, बोलो m1 s1 थीटा 1 प्लस m2, ओ सुनो भाई हम s बोल रहे हैं वो c बोल रहा है, जरा किशोर बा किशोर भैया तेरे पास मशीन है तो बेटा बेटा इसको ये ना m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 प्लस m3 s3 t3 m1 s1 m2 s2 m3 s3, और पानी होगा तो s गायब हो जाएगा, क्यों, पानी का m बराबर होता है एक होता है, तीन पानी मिला देंगे, पानी बराबर है, पानी मात्रा बराबर है, तो m m गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा t1 plus t2 plus t3 बटे 3, तीन आंसर एवरेज हो गया बस, आया आवाज ना मजा, बिल्कुल बोलो आगे चलो, चले भैया क्वेश्चन 22 पे आ जा, ये आ गया बिल्कुल ये आ गया, समान पदार्थ से बने तीन पिंड, यानी पदार्थ समान sm sm, ये पकड़ना पड़ेगा, और लड़के थ्री बॉडी ऑफ सेम मटेरियल sm m m3m टेम्परेचर 40-50-60 है, यदि पिंडों के बीच उसमें संबंध स्थापित कर दिया जाए तो अंतिम ताप क्या होगा, तो अंतिम ताप क्या होगा, तो लिख दूं यस m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 m3 s3 थीटा 3 m1 s1 m2 s2 m3 s3, लेकिन एक ही पदार्थ के तो s3 की आवश्यकता नहीं है, कट गया आपस में, ओके। अब आ जा m1 गुणा थीटा 1 m m m m1 गुणा तो m कितना है m, तो देखा ये थीटा 1 नहीं है, ये d थीटा के फॉर्म में होता है, इसको केल्विन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ये बड़ी पंगा है इसमें, बिल्कुल केल्विन में चेंज की आवश्यकता इसको नहीं पड़ेगी, इसमें सेल्सियस तो ये क्या होगा 40 m प्लस 50 m प्लस 180 60 गुणा 3 180 m अपॉन 5 m 5 m, तो तेरे सामने 50 प्लस कितने हुए 270 हो गए, 270 बटे 5 5 270 बटे 5 5 55 25 54 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल आंसर क्या आ गया डियर सेकंड, और यहां सारा खेल है टेंपरेचर डिफरेंस का, इसलिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज नहीं करता है, गाड़ बनाना चीज भी उसमें। आगे चलो भैया, ये है लाडला प्रश्न, लाडला यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल एक बार क्लास रोक के तो वेट करके एक बार फ्रेश हो जाए चाहे, ये पढ़ने पड़ेगा तो फिट है बता दे, फिट शुरू करूं, ध्यान से बैठे बच्चे, हाथ मुंह धो ले एक बार से, पोज कर ले कैमरे को, फिर स्क्रीन को पोज कर ले एक बार, कर लिया आ जा, तो वो कहता 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम आइस को 22,320 कैलोरी हीट दी, ध्यान देना बर्फ की लेटेंट हीट है 80 जानते हैं अपन, वो कहता जल की अंतिम शेष मात्रा कितना पानी होगा उसका टेंपरेचर क्या होगा, मैं शायद ये कह सकता हूं इससे बढ़िया कोई इस टॉपिक में है ही, हमने सारे को सॉल्व करके आए हम तो पहले पता आपको इसलिए निकाल के लाए पूरा इसको, भाई सुन ध्यान से, तेरे को 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 100 ग्राम जीरो डिग्री टेम्परेचर पे 100 ग्राम आइस और तेरे को उसकी लेटेंट हीट दे दी, वो कहता अब लास्ट में तेरे पास कितना पानी होगा और उसका टेम्परेचर कितना होगा, देख सुन बच्चे, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है उसको सबसे पहले अपने को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज कर, बोल करूं बिल्कुल, तो क्या आएगा केवल ml आएगा, m कितना पुत्र 100, l कितना है 80, तो मेरे को 8000 कैलोरी हीट का वाले, मैंने तो दी कितनी है 22,320
320 में से तू 8000 निकाल दे, ठीक है भैया? बिल्कुल, अभी भी उसके पास तो 14 और 8 कितने होते, 22, 22 तो 14000 320 कैलोरी अब भी तेरे पास है। यस दांदे क्लास, मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम बर्फ है। सबसे पहले बर्फ कहां जाएगी, पानी में आएगी, बोल हाँ ना, सबसे पहले बर्फ कहां आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ किस में आएगी, पानी में, जीरो के पानी में आएगी, वहां कौन काम आएगा, ml, m कितना है 100, l कितना है 80, दे रखा है 8000 कैलोरी मेरा कंजप्शन हो गया। ओके डियर, अब मैं इसको और फिर कितना बता दो 14320। अब सुन यार कि अब मेरे पास 14320 बच गई। अब मैं इस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुंचाऊं, कोशिश करूं बिल्कुल कि पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, मैं चेक कर लेते हैं। तो व्हाट इज dq, dq इक्वल टू ms dt, m कितना है 100, s कितना 1, dt कितना 100, ये कितना है 10000, पर मेरे पास ऑलरेडी कितना बैठा है 14320, तो मेरे पास फिर बच गया, फिर बच गया कितना 4320। मेरा पूरा का पूरा पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी वाटर में पहुंच गया, लेकिन अब भी मेरे पास 4320 कैलोरी सुमा है जो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को कहां चेंज करेगी, वेपर में, वेपर खाली कर भैया, वेपर में चेंज करेगी। तो दोस्तों वेपर क्या होगा, q इक्वल टू ml, q कितना है 4320 अपॉन l, l कितना होता है 540, वेपर कितना 540, इसको इससे काट दे, ये तेरा 50 मान ले, 400 मान ले, तो ये 8 बन जो, लगभग ये 8 के आसपास, बिल्कुल वही है 8 के आसपास आएगा, ये तेरा 8 ग्राम वेपर है, तो 100 ग्राम पानी था, 100 था उसके 8 ग्राम तो वेपर चली गई, पानी कितना बचा 92, 92 ग्राम पानी है और टेम्परेचर अभी कितना है 100 है, अभी कितना है 100 है क्वेश्चन बेटा जी, तो 92 ग्राम और 100 डिग्री सेल्सियस, ये है क्वेश्चन भाई मेरे, बिल्कुल एक बार फिर से करके देख ले दोबारा से, रिवर्स करके देख ले दोबारा से, मेरे सुन सुन एक मिनट, इधर इधर देख, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने क्या चाहिए ml, कितना चाहिए 100 ग्राम है 8000, मेरा बैंक बैलेंस कितना है 22320, 14320 बच गया। अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को लेके जाऊं 100 डिग्री सेल्सियस पानी में, कितना चाहिए msdt, m कितना 100, s कितना 1, dt कितना 100, कितना हुआ 10000, मेरे पास 14320 था, 10000 मेरा खर्च हो गया, कितना बच गया 4320, ये मेरे 100 डिग्री के पानी को कहां चेंज करेगा, वेपर में, वेपर में चेंज कर रहा है q equal to ml, ये l m जानते हैं, l तेरे पास है, q तेरे पास है, m 8 ग्राम आ गया, तो 8 ग्राम पानी कहां चला गया, वेपर में, पानी कितना बच गया 12 ग्राम, इसलिए पूछ रहा है पानी की मात्रा है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को, ये होते क्वेश्चन, ये है फिजिक्स, है ना आसान, थोड़ा सा मन से पढ़ने वाला हो, मन से पढ़ाने वाले हो तो बहुत इजी लगती है। मैं फिर से कह रहा हूं डियर, यदि सीएलसी की 180 वीडियो देख के गुरु नीति के, तो सुश्री 2021 की नीट फुटबॉल बन जाएगी, मैं कहता हूं कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लें, गुरु नीति देख लें, यदि आप एक ड्रॉप ले रखा था रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, और सीएलसी ने प्रीवियस पेपर के डाल रखे वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, वो जाके देख लो, कई मात नहीं खाओगे डियर। ओके थैंक यू, आ जाओ आगे चलो, पूछो या आगे लो, फिर सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, फिर करता हूं तेरे लिए, 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम भाप में मिलाया, देख करके 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वेपर में मिलाया, तो उसमें साम्य अवस्था के मिश्रण का ताप क्या है, अब यहां गुणा भागने काम आती है, कॉमन सेंस काम आता है, देख सीधी सी बात है, 1 ग्राम वेपर है, 1 ग्राम वेपर का मतलब है उसमें 540 कैलोरी हीट है, और 1 ग्राम आइस को मैं यदि 1 ग्राम पानी में चेंज करूं वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में, याद रखना 1 ग्राम पानी है और 1 ग्राम आइस है, तुमने मुझे बताया क्या ऐसा, तो 0 डिग्री, कहने बात है सॉरी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को मैं 100 ग्राम डिग्री लेके जाऊं पानी में, तो पहले तो कौन आएगा ml, फिर कौन आएगा msdt, m कितना है 1, l कितना है 80, m कितना है 1, s कितना है 1, dt कितना है 100, मेरे को तो 180 चाहिए, यस,
यदि मैं एक ग्राम आइस को लड़के एक ग्राम आइस को 180 कैलोरी देता हूं ना, तो भी एक ग्राम आइस मेरी 0 डिग्री सेल्सियस, एक ग्राम आइस कहां पहुंच गई है 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, पानी में पहुंच गई, मेरे को देने वाला कितना है 540 है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। बिल्कुल, ये इसको बोलते, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन, ये होता है कॉम्पिटिशन। यहां नॉलेज काम नहीं आता है, प्रैक्टिस और ट्रिक्स काम आता है भाई। गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट, टेकन हीट, ओके डियर। आगे चले, आगे ये भी सही शानदार क्वेश्चन आ गया, ये अब आपके प्रैक्टिस वाले आपको दो। अब थोड़ा मन से बैठ लो, 30 डिग्री पे 90 ग्राम जल, आ जा 30 डिग्री सेल्सियस है, 90 ग्राम है और वाटर है, और इसमें किसको मिलाया माइनस 20 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम आइस है, दोनों को मिला दिया, अंतिम टेम्परेचर निकालना है भाई। यस बोलो, करें कार्यक्रम शुरू। बिल्कुल, तो गिवन इक्वल टू रिलीज, ठीक है, तो डी एस दोस्तों माना कि टेम्परेचर क्या हो गया जीरो का पानी। हाँ फिर खाली कर, बड़ा माइनस छोटा का, तो 30 तो थीटा पे आएगा और माइनस 20 थीटा पे आएगा, ये बड़ा माइनस छोटा, छोटा बड़ा माइनस छोटा, बोलो हाँ तो इसमें फेज कन्वर्जन आज सब आएगा चिंता मत करो। तो 30 डिग्री सेल्सियस कहां पर आएगा, जीरो पे आएगा। तो दोस्त एम एस 30 माइनस जीरो थीटा 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 कोमल, हाँ चलो ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आएगा एम एल प्लस एम एस जीरो माइनस माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 20, ये माइनस 20 नहीं, ये आपका प्लस 20, क्योंकि एम एल कन्वर्ट होकर कहां जाएगा जीरो पे आ जाएगा। यस 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 जीरो पे आ जाएगा। देखो नियर 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है वो जाएगा किसी थीटा टेम्परेचर पे, भूल जाओ उधर क्या कर रहा है, ये कोई हीट देगा, कितनी देगा एम कर दू तेरे तो 19, एस बोले तो एक, 30 से कहां पे जाएगा थीटा पे आ जा। ये क्या करेगा इस आइस को, सुनना यार, इस आइस को क्या लाएगा माइनस 20 से कहां लाएगा, माइनस 20 से कहां लाएगा ना, मैं तेरे बेटा की दुआ कर दू, वो तेरे को माइनस 20 से रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पे, आइस में हाँ। एम कितना 5, एस कितना 1/2, यस पहले एम एल बनेगा, हाँ डन द क्लास, पहले एम एस डी टी, एम एस डी टी, तो एम कितना है 5, हाँ एस कितना है आधा, आधा और डी टी कितना है 20, 20 पहले कहां से कहां आया है माइनस 20 से 0 पे आया, अब ये 0 डिग्री से बर्फ किस में आएगी वाटर में, तो कितना है 5 × 80, यस अब जो पानी है, अब जो पानी है उसका बढ़ेगा टेम्परेचर, वो कितना 5 × 1 बड़ा माइनस छोटा, अब जीरो से बढ़ रहा है बड़ा माइनस आगे ना, अब जीरो पे आगे खेल पड़ा बड़ा माइनस छोटा, ओके डियर। अब तेरे सामने है उस अपने इसको लेना चाहिए ना, ना 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 अपन माइनस 20 से जीरो आ चुके, माइनस से 20 से जीरो पे आगे, फिर जीरो से अपन आगे आगे जीरो से आगे किस पे आएंगे, अब देखो नहीं नहीं यहां आप किस पे आए हो माइनस 20 से जीरो पे आए, अब जीरो से आप कहां जा रहे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे है, अब जीरो से बढ़ रहा है तो जीरो हो गया, ये बिल्कुल जीरो हो गया, यस थैंक यू पुत्र जीरो हो गया, ओके जाश जीरो। अब देखो 19 57 570 माइनस क्या है 19 थीटा, ये 5 है बेटा, हाँ ये कितना तेरा 10, 10 पंजो 50, 50 प्लस 8 पंजो 40, ये कितना है 5 थीटा, 5 थीटा, ओके डियर। अब 19 से उधर ले जा, उसको उधर ले गया 570 माइनस 50 माइनस 400 इक्वल टू क्या होगा 24, 24 24 थीटा, ये क्या तेरा 450, ये क्या 570 कितना बचा बोल बोल तो 570 माइनस 450 इक्वल टू क्या है 120 हो गया ना, बोल तो भाई बोल मत क्यों बोल, तो बोल 120 इक्वल टू 24 थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आया 5, 120 बट्टा 24 आंसर क्या आया 5, क्वेश्चन निकालना बिल्कुल आंसर निकालना बेटा, एक सेकंड बिल्कुल निकाल ले आंसर क्या आया 5, आंसर क्या आ गया 5 डिग्री। ये है दोस्तों जोरदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कहने का अर्थ ये है डियर कि इसमें आपको अपने कॉमन सेंस को भयंकर काम लेना पड़ेगा, या अपना कॉमन सेंस काम नहीं लोगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, केवल गुणा भाग नहीं हो सकती इसके अंदर। यहां जो किशोर ने बहुत सारी बात कही थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि दोस्तों बड़ा माइनस छोटा था, बड़ा माइनस छोटा, लेकिन माइनस 20 से कहां पर आ गया जीरो पे, तो वहां वो जीरो माइनस थीटा, थीटा हुआ, क्लियर।
आ रहा बात का मजा, शानदार प्रश्न हो गया। ओके थैंक यू, आगे चलो भाई। ये ले, ये आ गया, ये आ गया मेरा क्वेश्चन। देख ये रहा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, वही क्वेश्चन है। कितने ग्राम है? 1 ग्राम है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस की कहां चेंज करना? भाप में। छोड़ दिया, बताओ क्या करेगा? लगभग बताओ क्या करेगा, सुन दे। माइनस 10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, उससे पहले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, वहां से जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, और वहां से जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। सब कुछ आ गया, बिल्कुल। इंग्लिश देख ले, 10 डिग्री आइस, फिर 0 डिग्री आइस, फिर 0 डिग्री वाटर, फिर 100 डिग्री वाटर, और 100 डिग्री वाटर के बाद 100 डिग्री वेपर। अब देखें, माइनस 10 से इस पे जाएगा तो एम, एम बोले तो एक, एस बोले तो 1/2, डी टी बोले तो 10। यहां क्या है? प्लस एमएल, एमएल एम कितना है? एक। एल कितना है? यहाँ एम एस डी टी, एम कितना है? एक। एस कितना है? एक। डी टी कितना है? 100। यहाँ एन कितना है? एक। एल कितना है? 45। हो गया, ये कितना है? 5। ये कितना है? 80। वो कितना है? 100। वो कितना है? 540। तो 540, 640, 640 और ऐसे कितने हो गए? 560 और 565। ओके, ये कैलोरी में लेके, कैलोरी में 565, इसको आप 4.2 से गुणा कर दो तो ये 520, 2000 भाई चला जाएगा ना। 10 हाथ के 1, 12 13 हाथ के 1, 10 रो 11, 520 हाथ के 2, 24 2, 26 हाथ के 2, 520 2, 22 तो ये तो बिल्कुल 2300 के आसपास के जूल में कितना रहा, 3000 कैसे कर दिया इसको, तो गुणा भाग गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गुणा भाग गड़बड़ तो नहीं कर रहे, देखना फटाफट, देखना फटाफट, देखना क्वेश्चन नंबर 26 है क्या? Yes. देखना देखना चेक करना क्या गुणा, दोबारा कैमरा काहे को बंद करेंगे यार? 725 कैसे हो गया ये? अरे यार सही कर रहे हैं क्या अपन? देख 540 कर दिया। अरे यार 540 से कितने होंगे? 640 से। अच्छा जोड़ने में गलती कर देना होता है, देखो इसलिए हम डिलीट नहीं करेंगे इसको भाई, नहीं डिलीट नहीं करेंगे ये, देखो पूरा करने के बाद गणना कर देना तो एग्जाम। तो ये दोस्तों कैलोरी में है, इसको आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तेरा किसमें आ गया? जूल में आ गया, 500 तेरे पास दिया गया। बिल्कुल, मुद्दे की बात तो ये थी बेटा जी, वो तो हमने बता दी, थोड़ा सा जोश भागे से गड़बड़ हो गया। देख माइनस 10 डिग्री आइस, पहले आएगी 0 डिग्री की आइस, आइस 0 डिग्री आइस 0 डिग्री के वाटर में, 0 डिग्री वाटर आएगा 100 डिग्री के वाटर में, और 100 डिग्री वाटर आएगी 100 डिग्री के वेपर में। तो जहां टेम्परेचर बढ़ता है वहां तो MSDT काम आएगा, और जहां केवल फेज चेंज होता है वहां ML काम आएगा। ओके डियर, आगे चले। हमें क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ना, सही बता रहा हूं, तो हमें डर लग रहा था बहुत हैवी क्वेश्चन है, लेकिन जब कर रहे हैं आपके सामने ना, हमें खुद को बहुत मजा आ रहा है। मैं मानता हूं नीट में इस प्रकार प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका छोटा रूप आएगा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन कर लोगे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल आ जाए डियर, ये अपना फिर दाटा क्वेश्चन आ गया। अलग अलग लिक्विड ए बी सी 12, 19, 28, ए बी को मिलाया ताप 16 डिग्री है, बी सी को मिलाया ताप 23 डिग्री है, तो ए और सी को मिलाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? यह क्वेश्चन दोस्तों हल्का सा बड़ा है, तो मैं इस क्वेश्चन को पेपर की सहायता से आपके सोल्व करूंगा, ताकि मेरे को पूरा स्टेज खाली चाहिए, पेज खाली कर भैया। आ जा भाई 27 नंबर क्वेश्चन आ जाओ भाई। देखो डीएफ ए बी और सी पूरी बात करनी पड़ेगी भाई। ए कितना उत्तर किधर बोल यार? 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। देखो साफ कहता तीन अलग अलग ए बी समान सबके मास एम है। यस ओके डियर, एम है मास है और अलग अलग द्रव्य भैया, इसलिए एस सबके अलग अलग। एक मिनट, तीन अलग अलग ए बी सी समान द्रव्यमान द्रव्य इतने हैं, ए और बी को मिलाया आ जा, ए और बी को मिलाया तो टेम्परेचर क्या आया? 16 डिग्री सेल्सियस। बी और सी को मिलाया 23, तो टेम्परेचर क्या आया? 23 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है ए और सी को मिलाने से क्या होगा? ए और सी को मिलाने थीटा क्या होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल ये कुछ एस इनकी डिफरेंट अलग है भैया। यह क्वेश्चन बड़ा नहीं है, केवल क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए 12 पे, बी 19 पे, सी 28 पे, ए और बी को मिलाए तो 16 आया, बी और सी को मिलाए तो 23 आया। अब ए और सी को मिलाए तो क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा का फंडा बहुत काम आएगा, यहाँ काम ही एक आएगा, बड़ा माइनस छोटा। तो मैं डीएफ इसके यहाँ इसको कर दूंगा, ये 12 से कहां पे आ रहा है? 16 पे, तो बड़ा कौन है? 19
बोल करूं बिल्कुल। तो एम एम एस बी एस बी एस बी 19-16 तीन कर दू तीन इक्वल टू एम एम तो एम एस ए 16-12 कितना हुआ एम से एम काट दे तो तेरे सामने 3SB बराबर 4SA इक्वेशन। बोल बोल बिल्कुल बोल यार भाई तू बोल हम तो बोल रहे हैं बड़ा माइनस छोटा छोटा बड़ा माइनस छोटा। अब इस पे इस पे कैसे करेगा वापस वैसे ये 28-23 पे आ रहा है एम कितना है एम तो काट दिया एम तो आएगा नहीं तो तेरा कौन है एस सी एस सी मल्टीप्लाई कितना है 5 इक्वल टू 23 से कितना है 4 एस बी कितना हो गया 4 तो 4SB इक्वल टू क्या हो गया 5SC इक्वेशन दूसरी आ गई। अब ए और सी पर ए और सी का क्या निकालना तेरे रिजल्ट टेम्परेचर निकालना है। अब मुझे नहीं पता पर मुझे तय पता है कि 28 माइनस थीटा होगा और थीटा माइनस 12 होगा ये मुद्दे के बाद आजा एम तो एम क्या हटा एम को चो तो तेरे सामने क्या है अपन थीटा मिक्सर में लगा सकते हैं फॉर्मूला को नहीं अपन ऐसे करेंगे हाँ, अब ये देख 28 हो गया ना अब तू क्या कहेगा SC 28 माइनस थीटा 28 माइनस थीटा इक्वल टू SA थीटा माइनस 12। अब देख दिए ये तेरे सामने क्या आ गया 28 अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा अब अपने क्या निकालना है अपने उसमें एक ये एस को उठाना बस एक एस उठा देंगे दिस इज SC इक्वल टू थीटा माइनस 12 इक्वल टू SA। अब देखो वो SA और SB का है ये SB और SC का है ये SC और SA का है एक काम करिए आप एक SA उड़ा दे यहां से SA उड़ा तो SA उड़ा तो SA उड़ाएगा तो 28 माइनस थीटा SC इक्वल टू थीटा माइनस 12 जहां SA लिखा हुआ है वहां कर दे 3/4 SB 3/4 SB 28 माइnsθ SC = 3/4 θ-12 जहां SB लिखा हुआ है वहां क्या कर दे 5/4 SC यस 5/4 SC थोड़ी सी 28 θ × 16 15 θ − 12 हल्की सी बड़ी कैलकुलेशन है इसको दोस्तों जब आगे तुम सोल्व कर लोगे इस चीज को तो इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 20.3 डिग्री सेल्सियस शानदार प्रोसेस रही है ये रहेगा वो तो मिक्सर का नियम है ना वहां अलग अलग रहता भी नहीं 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 एस ए एस बी एस सी कहां से लाओगे नहीं उसमें तो थोड़ा अपन थीटा मिक्सर M1 वाले उस M1 S1 θ1 उससे अपन कर लेते पर ये इससे पूरी बात सामने आ गई यहां क्या हुआ कि बड़ा है डेटा ऐसे आ गया बाकी एग्जाम में डेटा ऐसे पटपट वो कट जाते हैं ओके डियर आगे चल हां तो डियर जैसा हमने कहा था ना कि इसमें वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमें कुछ पार्ट जोड़ने पड़ेंगे जैसे अभी कुछ स्टार्ट हो गए हीट ट्रांसफर के हीट ट्रांसफर तीन प्रकार से होता है कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन संवहन चालन विकिरण तो हमने कंडक्शन यहां ले लिया है पर थोड़ा एक बात कर लें कि कंडक्शन क्या है कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है आप एक काम करना पेज खाली करना देखो डियर माना कि यहां कहीं आग ऐस जल रही है आग के ऊपर कोई चीज है और ये जो हीट जा रही है ना ये तो है संवहन कन्वेक्शन और यदि यहां मैं हाथ गर्म कर रहा हूं इसे तो वो है रेडिएशन और कोई छड़ गर्म कर रहा हूं तो ये है कंडक्शन। पहला प्रश्न हो गया जैसे एक भगोनी में पानी गर्म करना है और नीचे हीटर लगा हुआ है तो ये बुलबुला गर्म होता है इसको गर्म करता है ऐसे घूमते रहते हैं तो ये है कन्वेंशन संवहन करंट जिसका आधार है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जैसे कण हल्का होगा ऊपर चला जाएगा इसको बोलते हैं संवहन ये पानी गर्म होता है कन्वेक्शन से। आप आग के दूर ऐसे हाथ गर्म कर रहे हो तो आग से आपके पास क्या रही है रेडिएशन इसको बोलते हैं विकिरण और एक छड़ को आपने आग में दे दिया तो छड़ वहां से गर्म होते होते यहां तक गर्म हो जाता है ये कौन है कंडक्शन कंडक्शन। ये जो मामला है कन्वेक्शन का ये किस में हो सकता है जहां पार्टिकल मूव करें तो ये लिक्विड में हो सकता है या गैस में हो सकता है तरल में हो सकता है
ये कभी ठोस में नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही क्या है कि मीडियम मूव करता है, यहां पर माध्यम गति करता है, कंडक्शन सब में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, चालन में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, गैस में हो सकता है, रेडिएशन तो अलग कहानी है, वो तो आप सेपरेट कहानी से बात। पर सुन लो रे, कंडक्शन है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यस, और कन्वेक्शन है ड्यू टू डेंसिटी, डेंसिटी डिफरेंस, यानी संवहन जो है वो गुरुत्वाकर्षण कारण है और कंडक्शन टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, ओसिलेशन पार्टिकल्स का वो हमको आता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं क्या, कंडक्शन दो है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन और एक थर्मल कंडक्शन, विद्युत चालन और उसमें चालन का कोई फर्क नहीं। सुन लो, टॉपिक शुरू करना अगला, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत चालन का मूल कारण कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उनका कारण भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद करो, वहां भी चांदी सर्व अच्छा चालक होती है, यहां भी चांदी अच्छा कंडक्टर है, वहां बेस्ट कंडक्टर होती है चांदी, यहां भी कौन है चांदी। जो बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वही बेस्ट हीट कंडक्टर है। हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में कहीं फर्क नहीं है, वहां चार्ज फ्लो होता है या हीट फ्लो, वहां वोल्टेज डिफरेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है या दोस्तों एच बराबर डी क्यू बाई डी टी, वहां चार्ज अपॉन चार्ज की दर को कहते हैं या आवेश की, आवेश की दर, सॉरी वहां आवेश की दर को कहते हैं या हीट की दर, उष्मा की दर को कहते हैं। सेम कहानी, अभी तो थोड़ी बात बात करेंगे, ओके डियर। तो आ जाओ क्वेश्चन, जाओ, किसी द्रव्य को बाहर हीनता की स्थिति में गर्म करें, उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, कौन सा संवहनीय का चालन होगा, केवल और केवल क्या होगा यहाँ पर चालन। और विकिरण की बात करें तो वो तो कॉमन है, पर लिक्विड में, लिक्विड की बात, अगला कौन है, लिक्विड है, आंसर क्या देंगे अपन, यहाँ चालन, संवहन नहीं हो सकता। संवहन की डेफिनेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव राशि, हल्का हल्का ऊपर किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण से भार हिलता होगी तो गुरुत्वाकर्षण ही नहीं वहां पर, सीधी सी बात है, ऊपर से पहले गर्म होना शुरू होता है। यस यस यस, आगे चले रही है, उष्मा संचरण की कौन सी विधि गुरुत्व, कहां गया बिल्कुल संवन हो गया, आगे चले बेटा, बंद कमरे में उष्मा किससे होता है, उसमें सभी उन्हें भी पर बात कर रहे थे, हाँ हाँ इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, लेकिन ज्यादा समझ ज्यादा सही, ज्यादा समझ, लेकिन ये थोड़ा सा मामला मुझे कंफ्यूज है, मानता हूं मैं, इसमें अपन ये आलोक जी ही, आलोक जी जी कहेंगे, लेकिन इसमें संवन ही बेटर कह सकते हैं, आलोक जी भी कह सकते हैं लेकिन संवन ही मानेंगे, नहीं आलोक जी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि विकिरण का जरूर थोड़ा है कि वहां से टेम्परेचर हो, क्योंकि विकिरण शर्त होती है कि शर्त रेडिएशन की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो रेडिएशन पैदा ही नहीं होगी, इसलिए आंसर क्या देंगे भाई, संवन ही देंगे। आगे चले, ओके, उष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि अधिकतम होती है, ये विकिरण, प्रकाश का वेग, प्रकाश की विकिरण तो प्रकाश का वेग है भाई, हेलो हेलो, सबसे कौन है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। आगे चले, या अब इस पे पढ़ने के लिए पेज खाली करें, अभी आ जाओ, लो डियर एक कहानी समझाते हैं आपको, एक कहानी आपके समझ ऐसे आती है कि ये कोई एक छड़ है, इसके सिरों पर अपन वी सप्लाई लगा देते हैं तो भूल गए क्या रहे, V equal to क्या होता है, IR, और R equal to क्या होता है, भूल गए के V, रो L upon के, yes, सेम पानी आ रहा है, यहां माना कि V1 पोटेंशियल है, यहां V2 पोटेंशियल है, ऐसे करंट फ्लो होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम पानी, R equal to रो L upon A, V equal to IR, सेम पानी है भाई, यहां कोई हीट थी तो नहीं, तो यहां भी V equal to IR है, तो यहां R जो है वो L upon के ए है, L इसकी लंबाई है, A इसका एरिया है, यहां रेजिस्टिविटी होती है, यहां पर प्रॉपर सब कौन है, कंडक्टिविटी है, यहां दोस्तों V1 V2 था, यहां थीटा 1 और थीटा 2 है, याद करो रे, I equal to क्या होता है, dQ by dt, यहां दोस्तों I को H कहते हैं, ये H जो है ये कैपिटल dQ by dt है, ये आवेश प्रवाह की दर है, ये उष्मा प्रवाह की दर है। इसके बाद और आगे थोड़ा चलें दोस्तों, अपन जानते हैं V equal to IR, दोस्तों I equal to होता है V upon R, V upon R को I कहते हैं, यहां दोस्तों एक्चुअल में H कहते हैं, तो जो काम V करता है यहां वो काम Q करता है, यहां Q upon R हो जाएगा, T, हां एक ही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस d थीटा, थीटा थीटा अपॉन, यस r, इसमें बड़ा चक्कर है, थीटा r q कंफ्यूज करते हो ज्यादा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है,
यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ एक शब्द है विभव प्रवणता, यहाँ एक शब्द है ताप प्रवणता। यहाँ कहते हैं वोल्टेज ग्रेडिएंट, यहाँ बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडिएंट। विभव के अंतर से करंट फ्लो होती है, टेम्परेचर के अंतर से हीट फ्लो होती है, उष्मा बहती है, एक ही बात, कोई फर्क नहीं है। यहाँ रो काम आएगा, वहां रो की जगह के उल्टा करते आप जानते हो, दिस इज रेजिस्टिविटी, ये क्या हो गया कंडक्टिविटी। चलो डियर आप पेज खाली करें। अब एक बहुत तेरी बात सुधान से, ये माना कि कोई छड़ है इसमें कितने हीट जाएगी, तो साफ साफ पता है माना कि यहाँ का थीटा वन टेम्परेचर है, यहाँ का थीटा टू टेम्परेचर है, इसकी लंबाई एल है, तो सब काम आएगा रहेगा ताप प्रवणता, वो दोस्तों होगी थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। और स्लोप ग्रेडिएंट है जो हमेशा किसको शो करती है, कमी को, कमी को, माइनस अपने आप साथ रहता है, कहने की बात ही नहीं। जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, जैसे दो का टेम्परेचर समान हो जाएगा हीट फ्लो बंद हो जाएगा, कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब आपके सामने है तो दोस्तों यहाँ जो क्यू है वो क्या है, इसके एरिया के समानुपाती है, इसकी ताप प्रवणता थीटा वन माइनस थीटा टू एल के समानुपाती है और टाइम के समानुपाती है। अब माना कि इसकी कंडक्टिविटी के है, तो दिस इज के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल टी। सुन ले भैया, बस ये एक फॉर्मूला है कंडक्शन में, क्यों एकमात्र फॉर्मूला है। चलो किशोर बाबू आप कुछ चीजों आप डिस्प्लाएंगे, क्या एकमात्र फॉर्मूला है, क्यू क्या है उष्मा, उष्मा ठीक, के क्या है कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया, थीटा वन क्या है हाई टेम्परेचर, थीटा टू क्या है लो टेम्परेचर, एल क्या है लेंथ, टी क्या है कितने समय तक, ये फॉर्मूला हो गया। अब यदि उत्तर अपने इसको थोड़ा चेंज कर तो बोलता जाओ लिखता जाओ, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा एच, एच तो एच क्या होता है के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल, तो उत्तम बिल्कुल पक्की, yes. पक्की बात है बिल्कुल। अब तूने एक बात की थोड़ी देर पहले मेरे को, थोड़ी देर पहले मुझे तूने कहा कि इसको मैं H कह दूं, yes. तो H मेरा K A upon L theta one minus theta two है, ये क्या है, ये आपका अभी बताया one upon, yes. R equal to rho, हाँ. L upon A, तो L तो क्या है one upon R, H क्या आ गया मेरा theta one minus theta two बटे R, R आ गया। ये कौन है टेम्परेचर डिफरेंस, वहां कौन होता है वोल्टेज डिफरेंस, या आर वहां आई है या एच है, यानी अब सुन लो सीरीज जोड़ दोगे तो करंट समान है, नहीं एच समान है, पैरेलल जोड़ दोगे तो वोल्टेज का डिफरेंस समान है या टेम्परेचर का डिफरेंस समान है, बस ये मैं से बात करना चाह रहा हूं, सेम कहानी है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। चल एक क्वेश्चन निकालता हूं मैं, आगे चल एक मिनट आगे चल, क्वेश्चन निकालता हूं, अगला निकाल, अगला निकाल, और अगला निकाल, निकाल अगला, अगला निकाल, या इस पे आ जाता है, यस इस पे एक बहुत, ये किरचॉफ का नियम है, हाँ हेलो किरचॉफ का नियम है, ये क्या कहता है, समान अनुप्रस्थ काट की तीन, जैसा आप कहता है थ्री रोड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका मतलब कनेक्टिविटी सेम है, सेम क्रॉस एरिया, एरिया सेम है। अगला साफ कहता है सेम सब कुछ सेम है, इनको जोड़ दिया ये जीरो डिग्री नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री, तो कहते हैं जंक्शन का टेम्परेचर क्या है, पूछ रहा बिल्कुल, अनुप्रस्थ काट की तीन छड़े हैं, प्रत्येक छड़े की लंबाई समान है, सब कुछ समान है, बाएं दाएं सिरों पे टेम्प इतना इतना है, सब कुछ समान है, इसका इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, ठीक है डियर, और माना कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया थीटा। किरचॉफ क्या कहता है, बुलगे कह रहे हैं किरचॉफ क्या कहता है, किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का जोड़ जीरो कर दो, जीरो बोलो हाँ या ना, हेलो दिस इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन, सभी धाराओं का जोड़ जीरो कर दो, ये धारा मान लो एच, अब यहां धारा एच वन बोलना पड़ेगा, यहां धारा को क्या बोलना H2. पड़ेगा एच टू, और लड़के वो इलेक्ट्रिक करंट है, ये थर्मल करंट है, करंट अंदर लिए हाई माइनस लो, लो तो देख भाई जीरो माइनस थीटा अपॉन आर बिल्कुल, प्लस नब्बे माइनस थीटा अपॉन आर, प्लस नब्बे माइनस थीटा अपॉन आर इक्वल टू जीरो, गुणा भाग करके सोल्व कर ले, आर आर तो कट जाएगा, थीटा की वैल्यू दोस्तों 60 डिग्री आएगी, गुणा भाग करके देख लीजिए, बिल्कुल क्या है बात का मजा, 100% इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन सेम है, वही किरचॉफ का नियम कि किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का सम क्या होता है जीरो, जीरो, वहां चार्ज फ्लो, सॉरी वहां चार्ज फ्लो होता है या हीट, हीट फ्लो होता है, फ्लो होती है बस, तो इसको मुझे नहीं पता छोटा बड़ा, मुझे पता हाई माइनस लो, लो हाई माइनस लो, लो हाई माइनस लो,
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ओके वापस पीछे आप इक्वेशन जाते हैं वापस से जल्दी आ जहां से छोड़ा था वहां पर चलो 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 यस या पिछड़ा क्यों हो गया था पिछड़ा था हाँ ये हो गया दिखा 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 देख हो गया आ गया अब 32 पे आ जाओ भैया लोग क्या कहता है दो पदार्थों की कंडक्टिविटी 5 और 3 है इन पदार्थ की समान मोटाई की छड़ों का उसमें प्रतिरोध भी बराबर है तो इन छड़ों की लंबाई का अनुपात क्या है देखो डियर साहब कहता है दो पदार्थ की उसमें देखो सुनो 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 आर इक्वल टू एल अपॉन के भाई आर सेम है अपना एक फंडा है जो बदलता है उसके पीछे 1 2 लगाओ इक्वेशन एक में इक्वेशन दो का भाग टिकाओ समझ गए बस अपना साफ साफ क्या कहता है प्रतिरोध बराबर है तो आर के पीछे 1 2 नहीं आएगा उष्मा चालकता अलग अलग है इसके पीछे 1 आएगा इन पदार्थों की मोटाई समान है तो ए के पीछे 1 2 नहीं आएगा एल के पीछे 1 2 आएगा तो एल 1 अपॉन के 1 बराबर एल 2 अपॉन के 2 तेरे को रेशियो पूछा लंबाई का तो एल 1 अपॉन एल 2 इक्वल टू के 1 बाई के 2 के 1 बाई के 2 5/3 आंसर आ गया 5/3 भैया लो जी जरूरत नहीं है कुछ करने की बोलो हाँ याना यस जैसे जैसे अगला कहता है वैसे वैसे आपको किशोर भाई करना है चल आगे 33 पे आ जा हाँ तो किशोर पुत्र चले बिल्कुल देखो साफ कहता है अगला एक स्ट्रेट वायर है एक सेमी ऐसे हेमी सर्किल है वो साफ कहता है कि समान पदार्थ के बने हुए हैं ऐसे इनको मोड़ दिया ए और बी तो अलग टेम्परेचर पे है तो साफ कहता है रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर थ्रू एक क्रॉस सेक्शन एरिया और एक स्ट्रेट एरिया देख डियर सीधी बात है कि यहां टेम्परेचर सेम है सेम तो इधर एक हीट जाएगी इधर एक हीट जाएगी ठीक है डियर बिल्कुल बहुत स्पष्ट तरीका है ना तो आपको हीट निकालनी है इसमें तो आप खुद क्या कह रहे हैं एच इक्वल टू क्या है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन आर आर थीटा 1 तो सेम है तो अपन क्या कह सकते हैं कि एच 1 अपॉन एच 2 इक्वल टू आर 2 बाई आर पुत्र अपन पढ़ चुका है एल रो ए अब इनका रो सेम है ए सेम है एल अलग है आर रो आर एल के इनवर्स है तो ये तेरा दैट क्या हो गया एल टू बाई एल अब एल टू बाई एल वन हो गया तो सीधी सी बात है मेरा स्पष्ट कहता है भैया कि एल टू कौन है नीचे वाला नीचे एल टू है तो ये कितना हुआ पाई आर ये कितना है पाई आर और ये कितना है 2R तो आपके सामने जब आंसर क्या आ गया 2R अपॉन पाई आर कैंसिल आउट तो रेशियो क्या आ गया 2 अपॉन पाई इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है दोस्तों दो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं जब दो तारों में धारा बहती है ना सेम कहानी बिल्कुल सेम ओके डियर आगे चले ये चीज पढ़ाने से पहले अपने दूसरी बात करेंगे बेसाली का देखो डियर हम ये दो वायर हैं इनको सीरीज जोड़ दें और इनको पैरेलल जोड़ दें तो पूरी क्लास जानती है कि साथ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका आर होता है आर वन प्लस आर टू और इसका आर होता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इट कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस सेम कहानी होती है सॉरी इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सेम कारण होते थर्मल रेजिस्टेंस की कहीं कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है तो कहता है कि साहब इसको मिटाऊं मैं कि साहब वो कहता है एक छड़ ये है और एक छड़ ये है इसका माना कि आपका के वन है इसका माना कि के टू है इसकी लंबाई एल वन है इसकी लंबाई एल टू है इसका एरिया ए है इसका एरिया ए है ये थीटा 1 टेम्परेचर है ये थीटा 2 टेम्परेचर है और ये थीटा टेम्परेचर है यहां दो क्वेश्चन बनेंगे इसका रिजल्टेंट थीटा निकालो और इसका रिजल्टेंट के निकालो दो क्वेश्चन बनते हैं इंस्ट्रक्शन का टेम्परेचर बताओ और इसका टोटल का के बताओ तो टोटल का के बताओ जल थीटा बताओ आप जानते हो हीट फ्लो ऐसे हो बिल्कुल क्लियर है तो फॉर्मूला क्या था क्यू बराबर क्या था भूल गया क्या के ए थीटा बड़ा माइनस छोटा अपॉन एल मल्टीप्लाई टू यस ठीक है डियर लेकिन यहां तो पता क्यू सेम नहीं है क्यू बाई टी सेम है श्रेणी क्रम में धारा समान है तो क्यू बाई टी क्या होगी धारा होगी तो दोस्तों एच इक्वल टू क्या हो गया के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल एल बोल हाँ यार इसको तो एच 1 कह दे उसको तो एच 2 कह दे तो एच 2 बराबर एच 2 हो गया तो के 1 ए के वो लिखेंगे अपन
थीटा वन माइनस थीटा अपॉन एल वन इक्वल टू बोल क्या पूछ रहे के टू ए थीटा माइनस थीटा टू अपॉन एल टू ए से ए कैंसिल आउट से तेरे को निकालना क्या है थीटा तो इसको तो सोल्व करेगा ना तो के वन थीटा वन माइनस के वन थीटा मल्टीप्लाई एल टू इक्वल टू के टू थीटा माइनस के टू थीटा टू मल्टीप्लाई एल वन ठीक है डियर इनको अपन सोल्यूशन करेंगे इसको डियर में पूरा करता हूं तेरे पास करके तो के वन थीटा वन एल टू माइनस के वन थीटा एल टू इक्वल टू के टू थीटा एल वन बच्चे मैं सीधे पूरी बात करूंगा भैया के टू थीटा टू एल वन मुझे क्या चाहिए थीटा तो थीटा एक तरफ कर लो आप पूरा ठीक है ना यस ये तो आप लोग भाई सिंपल सी बात है ना के वन थीटा वन एल टू माइनस ये तो ये आपके सामने बड़ा माइनस छोटा और बड़ा माइनस छोटा अब आपको क्या चाहिए इसमें थीटा चाहिए ना तो थीटा को डील आप एक तरफ करें ये कौन है आपका थीटा और ये भी आपका कौन है थीटा है तो उस उधर ले जाओ के टू थीटा एल वन प्लस के वन थीटा एल टू इक्वल टू के वन थीटा वन एल टू प्लस के टू एल थीटा टू एल वन थीटा बाहर निकाल ले सीधा कर देगा इतने सामने क्या है के वन थीटा वन एल टू प्लस के टू थीटा टू एल वन अपॉन के टू एल वन के टू एल वन प्लस के वन एल टू और 90% क्वेश्चन में क्या होता है एल एल टू बराबर कर देता है तो बराबर करते कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बचेगा के वन थीटा वन प्लस के टू थीटा टू अपॉन के वन प्लस के टू ये दोस्तों इसका रिजल्टल फॉर्मूला आ गया बिल्कुल अब तो याद कर ले इसको अब सीधा मैं सीधा बोल सकता था लेकिन मतलब क्या निकलेगा यार कि कोई एक एल वन लंबाई है दूसरी एल टू लंबाई तो लंबाई एल एल कर दी उनको जोड़ दिया तो जंक्शन पॉइंट है उसका टेम्परेचर के वन थीटा वन प्लस के टू थीटा टू बटे के वन प्लस के टू इसी के साथ इस बात को समाप्त कर देते हैं अब वो कहता इसका रिजल्टेंट के क्या है रिजल्टेंट के क्या है कुछ क्या जो आप एक छड़िए तो खुद कह रहा है आर इक्वल टू क्या होता है आर वन प्लस आर टू आर क्या होगा एल अपॉन के किताब के काम ले लिए तो एल वन के वन एल टू के वन ए वन एल टू के टू ए टू वो बोलता है इक्विवेलेंट दिस इज के इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वो भी एल इक्विवेलेंट वो भी प्लस एल टू अच्छा कर देंगे भी yes. अब आ जा तो एल वन जहां लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेगा तू एल वन प्लस नोट एल वन सॉरी ये एल इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट है गलती कर गया मैं ये भी ए पे रहेगा ए सेम रहेगा इसमें एक बच करने पड़ता ए ए बच कर जाता है इसमें तो एल वन प्लस एल टू अपॉन क्या है के इक्विवेलेंट इक्वल टू एल टू बट्टा के वन प्लस एल वन यस यस एल टू बट्टा के टू के टू तेरे क्या चीज है के इक्विवेलेंट तो ये है एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू ऐसे याद रहे इसको याद और थोड़ा और मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करें पुत्र माना कि एल वन एल टू भी बराबर है बहुत अच्छा है बिल्कुल ये याद रखे तो तेरे को सीरीज का के इक्विवेलेंट चाहिए तो एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन बाई के वन मान लो बहुत सारे हो गए सपोज करें बहुत सारे हो गए क्या दिक्कत है एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस डैश डैश अपॉन एल वन के वन एल टू के टू एल थ्री के थ्री प्लस बात करवा रही है बेटा इसको अब एल वन एल टू बराबर करें फिर देख फिर बहुत मस्त जाएगी एल वन एल बराबर करेगा ना तो क्या हो गया टू एल टू एल ये क्या है एल बाई के वन ये क्या है एल बाई के टू आ जा के इक्विवेलेंट ये क्या है तेरा टू एल ये काम कर के वन के टू जब तुम ले तू यहां पर तो क्या बचेगा तेरा बार आ गया हाँ एल के टू प्लस एल के वन वो कट गया एल वन एल वन तो ये देख के इक्विवेलेंट आ गया टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू मेडिकल तो इतनी है भाई बिल्कुल थीटा क्या बना थीटा बना था के वन थीटा वन प्लस के टू थीटा टू बटे उल्टा उल्टा सीधी सी बात के वन थीटा टू प्लस के टू थीटा वन ये फॉर्मूले आपके सामने आ गए इन फॉर्मूलों को डियर आपको याद करना ही होगा और ये फॉर्मूले आप ढंग से याद कर लेते हो तो मैं नहीं मानता कि आप कहीं भी इसमें दोस्तों मात खाएंगे ये आपका हो गया सीरीज का
अब अपनाते हैं पैडल। पैडल पैडल में क्या होगा, पैडल में यहां का भी टेम्परेचर थीटा और यहां का भी थीटा, तो एक तो यहां जंक्शन टेम्परेचर नहीं है, संधि टेम्परेचर होता ही नहीं है। अब देख भाई यहां पर इसमें हीट बह रही है, इसमें बह रही है, इसमें बह रही है, इसमें बह रही है, माना यहाँ H1 है और यहाँ H2 है, तो हमें तय पता है, अरे भूल गया क्या, इधर कोई करंट आई है और इधर करंट I1 गई, इधर करंट I2 गई, तो नहीं होता क्या I बराबर I1 प्लस I2, वो जो काम आएगा कॉन्सेप्ट का काम आएगा यार, यहाँ को हीट बह रही है तो टोटल हीट दोनों के जोड़ के बराबर, ऐसी बात है, तो तेरे सामने सामने एच बराबर क्या है, H1 प्लस H2 डेल्टा टी अपॉन आर ए की बात है। तो जहां एच लिखा हुआ क्या करेगा, θ1 - θ2 अपॉन क्या है इसका आर, ये भी क्या तेरा θ1 + θ2 अपॉन R1 है, θ1 - θ2 R2। अरे काट कूट दे यार, सिंपली बस गया ना, 1 R = 1 R1 + 1 R2 बोलाया ना। यस, अरे बात वही आ रही है ना यार, अरे भाई पैरेलल जुड़े हुए हैं। अरे मैं क्यों तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, बड़ी मजबूरी हमारी आज, क्योंकि 4 वीडियो को 3 में एडजस्ट करना पड़ेगा, भूल सही 3 बढ़ गए उस समय, तो 1 upon R = 1 upon R1 + 1 upon R2। अब दोस्तों आगे चले, तो 1 upon R = 1 upon R1 + 1 upon R2। अब तू जानता R क्या होता है, L upon KA। K क्या है, इक्विवेलेंट, एरिया क्या है, इक्विवेलेंट, लेंथ यहाँ क्या हो गया, सेम होगी। आ जा, ये कौन होगा, K1 A1 L + K2 A2 और L, कैंसिल आउट कर दे, L से तो K इक्विवेलेंट क्या हो गया रे, K1 A1 A2 A2 upon A1 plus A2 यार इक्विवेलेंट है, हाँ आ गया। अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हो गया बिल्कुल, बस बात ही घूमी कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन में और थर्मल कंडक्शन में कोई फर्क है नहीं, वो भी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वहां भी चांदी सबसे बढ़िया कंडक्टर है, यहां भी चांदी सबसे बढ़िया कंडक्टर है, वहां चार्ज है यहां हीट है, वहां पोटेंशियल है या टेम्परेचर है, वहां करंट है आई है या कैपिटल एच है, 100% सेम है, लंबाई वहां रो, वहां काम ज्यादा होता है रेजिस्टिविटी, यहां काम होता है कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन निकालो, पीछा हाँ जी, ये जो हमने किया डेरिवेशन की है ना, वो यहां काम, इसका फायदा यहां डेरिवेशन में आपका जो हमने टाइम वेस्ट किया कह सकते आपकी भाषा में, वो यहां काम आएगा, और ये आपकी नीट में 2 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। देखो डियर साहब कहता है कि एक के मोटाई की सीट है, मतलब के कनेक्टिविटी, एक्स मोटाई की सीट है, 2K और 5X की सीट है, ये T2 टेम्परेचर है, वो T1 है, T2 से बड़ा है, और इसमें हीट जो फ्लो होती है ये है, तो कहता बताओ F का मान क्या है। ठीक है डियर, मैं जरा पेपर हाथ में लेता हूँ, लंबा मामला है, तो ऐसा कर पेज खाली, अगला साफ कहता है डियर किशोर जी, अपन ऐसा करें, अगला साफ कहता है के और अक्ष, 2K और 4X, दिस इज T1, दिस इज T2, और इसका रिजल्टेंट जो H है वो क्या है, T2 - T1 upon X multiply F, तो कहता है F की वैल्यू बताओ, तो एक तरीका होता है अपने तरीका रिजल्ट, तो एक बात सुन यार, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, H इक्वल टू क्या होता है, के इक्विवेलेंट एंड ए T2 - T1 upon 5X, इसकी तुलना इससे कर दे यार, चेंज कर दे, तुलना कर दो पुत्र, यस, तो तुलना कर दो, ए ए T2 - T1 अक्ष के और एफ, देख T2 T1 से कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा तेरे सामने यार, दिस इज के इक्विवेलेंट अपॉन 5 इक्वल टू के एफ, के एफ, ठीक है,
एफ निकालना, नहीं एफ निकालना, के इक्विवेलेंट निकाल दो पहले, इसका क्या है के इक्विवेलेंट है, तो भूल गया क्या यार, के इक्विवेलेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 L2 बाई K2। ये याद रखना पड़ेगा, सुन ले भाई, क्यों मैं जो निकाल रहा था, देखो बच्चे कई मतलब फेल कौन होते हैं, जब टीचर निकालता है तब तो कहते हैं कि हम PMT की तैयारी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, और सीधा बता देते हैं तो साहब समझा है, सीधा बता दिया और वो बच्चे बर्बाद होते हैं ऐसा है, ये बड़ा भयंकर फंडा है। आ जा बस, अब इसको कंपेयर करके निकाल ले, तो तेरे सामने दिस इज के इक्विवेलेंट एक्स, एक्स L1 क्या है एक्स, L2 क्या है 4x, L1 क्या है एक्स अपॉन के, और ये क्या है 4x/2k, 4x/2k सॉल्व कर ले कि माइनस करें पूरी बात कर ले, ऊपर क्या बोलते 5x, नीचे क्या ले तो 2k, ये क्या बचेगा 2x प्लस 4x, तो दिस इज के इक्विवेलेंट कितना हमारे 5x अपॉन a मल्टीप्लाई 2k/6x, अक्ष काट दे इसे काट दे, दिस इज 5k/3 कौन k इक्विवेलेंट, आ जा ये ये रख, कितना बोलना 5k/3 अपॉन 5 इक्वल टू k, ओ वीडू k से k काट, 5 से 5 काट, f इक्वल टू 1/3 मिला, शानदार प्रॉब्लम, अल्टीमेट एग्जाम आई प्रॉब्लम दी, आगे चलो बना चुके अपन हो गए, तो वो कहता है अलग अलग समांतर परत से मिला के है, नई परत की मोटाई समान है, उसमें तार का K1 K2 है, तो उसकी परिणामी क्या होगी कनेक्टिविटी भी K1 कहने की बात नहीं, K1 प्लस K2 बाई 2 सीधी सी बात है, तो हो चुका बिल्कुल, आगे चले। हाँ तो किशोर पुत्र, ये प्रश्न मेरे हिसाब से इस टॉपिक का एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे पेपर है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ रिपीट, तो क्या कहता है, 3 rods ऑफ सेम डायमेंशन arrangement as shown in figure, they have thermal conductivity K1, वो अलग अलग है, बिल्कुल P Q R maintain different temperatures, okay, for the heat to flow at the same rate, इधर की heat और इधर की heat क्या है same rate है, ठीक है, तो which of the following options correct, आपको relation निकालना है, मेरी बात ध्यान सुनो पुत्र, मैं एक बार paper हाथ में देके करता हूँ इसको, आप पेज खाली करें क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो डियर ये 3 छड़ है, ये आपका P, ये आपका R, ये आपका Q, तो यहां से ऐसे करंट मान लेंगे अपन, दिस इज K1, दिस इज K2 और दिस इज K3। अगला साफ साफ कहता है, बिल्कुल स्पष्ट कहता है, उष्मा प्रवाह की दर समान है, इसका मतलब इधर कोई H1 बह रही है, इधर कोई H2 बह रही है, H1 H2 इक्वल है, ओके डियर, अब तो खुद देख H क्या होता है, K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, क्लियर। अब जब थोड़े से बात की कोशिश कर से, तू कहता है कि यहां के टेम्परेचर और यहां के टेम्परेचर नो डाउट जो इधर का थीटा 1 थीटा 2 है वो इधर का है, हाँ। तो इक्वल हो जाएंगे, अब इसमें सबसे बड़ी बात है इस पथ का k क्या है, तो आप ऐसा करो इसको H1 कह दो, तो H1 इक्वल टू k इक्विवेलेंट, एरिया सेम है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 और L क्या हो गया 2 है, यस 2 है, और H2 इक्वल टू क्या हुआ K3, K3 इक्वल टू एरिया तो वही है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन क्या हो गया L, H1 H2 बराबर है, ये मैंने कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि H1 H2 इक्वल है, अब इसको मिटा दे, तो H1 H2 इक्वल टू करेगा, तो तेरे सामने सामने है K इक्विवेलेंट A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2L इक्वल टू K3 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, तो देख L से L कैंसिल आउट कर, किससे ये कैंसिल, किससे ये कैंसिल आउट कर, तो तेरे सामने सामने क्या आ गया, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया 2K3। अब व्हाट इज K इक्विवेलेंट, ये निकालना बस, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए सिंपल तरीका है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट की जगह अपन जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, L टोटल लेंथ L 2L L प्लस L अपॉन L बाई K1 प्लस L बाई K2 यस डियर, दिस इज 2L और ये तेरा K1 K2 तू यहाँ कॉमन ले, तो तेरा K2L प्लस K1L ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो K इक्विवेलेंट क्या हो गया, ऊपर ले जाए इसको K1 K1 K2 है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल टू कर दे ले यार 2
K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 काट दे K3 इक्वल टू आजा सुन आजा K3 इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2 अपॉन K1 प्लस K2 यहां से आ गया। देखो दोस्तों इस हीट कंडक्शन को इलेक्ट्रिक कंडक्शन के साथ नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा इसमें, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन अपने को नहीं आता है तो भाई जी नीट की तैयारी छोड़ दें अपन, क्योंकि वो तो बेसिक सर्किट है, सीधी सी बात है। आगे चला दिया सिखाएंगे इस तैयारी के छुटवाएंगे जिंदाबाद कर, ये हो चुका आगे चलो, ये लो ये आ गया, ये हमारा लाडला प्रश्न है, मजा आएगा सुन देख के। देख पांच छड़ एक जैसी है, ए व सी का टेम्परेचर 120 है, देख लड़के इसका भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो बताओ घर की बात क्या है, एक ऐसा वायर बन गया वो जो आगे सी ये बी ए ये ए ये कितना आर, ये भी आर 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 टू आर टू आर टू आर आर, यहां कितना टेम्परेचर 120 100 और यहां कितना 20 तो 100 और 20 100 आधा इस पे आधा इस पे, तो 100 में से 120 120 से 120 में से 50 कम कर दे कितना आ गया 70 डिग्री जो आ गया 70। फिर सुन ले एक बार, देख फिर सुन ले, फिर करते ले करता हूं मैं, देख ये एक रेजिस्टेंस आर और ये भी है आर, क्यों ये आर आर टू आर टू आर टू आर आर, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए 120 डिग्री और ये तेरा 20 डिग्री। अब कॉमन सेंस की बात है 120 तो 100 तो 100 को आर आर डिवाइड करना कितना हो गया 50 आधा तो 50 कम करते कितना आ गया 100 डिग्री। अब इसमें थर्मल कंडक्टिविटी कहीं काम नहीं आई, सारे कौन काम इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी काम आई, आगे चल भैया ये ले इसको तो मैं पेन चलाते हैं इसमें, तो मैं जो क्या कहता तो ये खुद बकवास कर रहा, समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट छत दो छठ ए भी है, पहले जोड़ा सीरीज में फिर जोड़ा पैरेलल में, दोनों स्थिति में यहां भी टेम्परेचर 100 डिग्री यहां भी 100 डिग्री, इसका 3K बी की K है, तो कहता उष्मा परवा दे भाई ने दे दास हूं दे बहुत धुन सुन, यहां 3K और K ये कौन से क्रम में है सीरीज सीरीज में है ठीक है, आप इसको R की तरह मान लो तो कितना हो गया 4R और ये कितना हुआ 3/4 कॉमन सेंस की बात है, यहां वादा कितनी है 4R, यहां वादा कितनी है 3/4। अब तू अच्छे जानता भाई V इक्वल टू क्या होता है IR, I इक्वल टू क्या होता है VR, तो कॉमन सेंस की बात है H इक्वल टू क्या आएगा थीटा बाई R, थीटा दिशा बोलते सेम है दोनों का, तो H1/H2 R2/R1 आ गया सीधे सीधा फंडा भैया, तो 4/3/4 आंसर आ गया 16/3 भाई कॉमन सेंस की बात है, यहां से यहां टेम्परेचर जा रहा है वहां से वहां टेम्परेचर जा रहा है करंट जा रही है, तब आप कह रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस समान है तो भैया आई डिपेंडेंस पे करेगा आर पे, और जिसका आर कम है उसका आई ज्यादा है, कोई बात यहां है, अब यहां कंडक्टिविटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे हम कहानी है तो रेशियो क्या हो गया 16/3 तो हम आर के रूप में निकाल लेते हैं इसको, मैं ये तरीका वैसे सही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट की बात तुक्काबाजी बोलते लोग इसको, बट इसको हम कर देते हैं और करो प्रैक्टिकली बात करो कि साहब इसको आप बिल्कुल पूरा करके दिखाओ पूरा करो, नहीं तो हम तो एग्जाम के देने आपको कंपटीशन आपको आगे चले। हाँ तो डियर क्वेश्चन 40 और 41 हमारे दो अल्टीमेट क्वेश्चन है आ जा, और ये थर्मल भूल जा थर्मल को तो किस किस पे आ जा इलेक्ट्रिक पे आ जा, देखिए प्रश्न ऐसे कह रहा है सामने, ये कहता है एक पार्टीशन वॉल हैज टू लेयर ए एंड बी इन कनेक्ट ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल दे हैव सेम थिकनेस बट द थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ ए लेयर इज ट्वाइस दैट ऑफ दिस 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 ए, ये कोई ए है और ये कोई बी है, अगला साफ कहता है इसकी कनेक्टिविटी 2K है इसकी कनेक्टिविटी K है और इसके टर्मिनल्स पे 60 डिग्री डिफरेंस है, ऐसा कर ले यार इसको 60 के कह दे और इसको 0 कह दे सीधी सी बात। अब वो कहता है कि ए के टर्मिनल्स पे तापांतर बताओ यहां का टेम्परेचर बताओ, इसका एक शब्द भी हमारे पास है जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन क्या निकाल दो जंक्शन टेम्परेचर आ जा, क्या होता है टेम्परेचर K1 θ1 K2 θ2 अपॉन K1 + K2 ओके डियर यस, चलो तो K1 की बोले तो 2 तो 2K थीटा बोले तो 60 K2 बोले तो K θ2 बोले तो 0 अपॉन क्या है 3K तो थीटा का मान क्या आ गया 20K ये कितना है 40 के ये 40 40 के यस कितना आ गया 40 बट क्वेश्चन ये नहीं है
क्वेश्चन कहता है कि एक के टर्मिनल्स पे डिफरेंस है वो कितना है 20 बिल्कुल तापमान कहता है देन द कोरस्पोंडिंग डिफरेंस अक्रॉस द लेयर तो वो कितना हो गया 20 तो इसका जंक्शन टर्मिनल निकाल लो जंक्शन निकाल के आप इसको टेम्परेचर डिफरेंस की बात निकाल ओके डियर यस आगे चलो क्वेश्चन 41 तो हां तो पुत्र आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो लंबा हो गया और मजा आ गया जितना इतना मैटर इसमें एक बार इसको दो तीन बार देख लेना सड़ जाएगा मामला पूरा देखो डियर साहब कहता है तांबे की कनेक्टिविटी इस्पात की कनेक्टिविटी 9 गुना है अगला साहब कहता है तांबे की कनेक्टिविटी इस्पात से 9 गुना है तो ये दोस्तों 9 के है और ये के है इसकी लंबाई 18 है 6 है अब वो कहता है यहां का मुझे टेम्परेचर निकालना है तो यहां का टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे इतनी बात का पता है यार कि दोनों सीरीज में है करंट दोनों में क्या होगी सेम एच वन इक्वल टू क्या होगा एच वन आ जाए एच वन लगा तो पहला कोण है के तो 9 के थीटा कितना है 100 माइनस थीटा अपॉन 18 है शाबाश अब क्या है तेरा के थीटा माइनस 0 अपॉन क्या है 6 के से के कैंसिल आउट कर दे इसको इससे कैंसिल आउट कर दे 6 है इसको इससे कैंसिल आउट कर दे तो ये 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा 300 इक्वल टू 4 थीटा थीटा इक्वल टू 75 थीटा इक्वल टू 75 ये लो डियर आपका आज का क्वेश्चन हो गया ओके 41 क्वेश्चन हो गए ठीक है दोस्तों तो श्रवण और किशोर ने मिलकर फिर आपको गुरुलिपि का वीडियो नंबर 20 अपलोड कर दिया है हीट का मेरा मतलब है थर्मल कैपेसिटी थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्शन रेडिएशन केटीजी थर्मोडायनेमिक्स सारे मिला के 3 वीडियो देंगे और ये तीनों वीडियो 2-2 घंटे प्लस के आपके पास आएंगे क्योंकि हमें इसके 4 वीडियो देने थे बट भूल से 3 बन गए तो कोई बात 3 बना के छोड़ दिए ठीक है तो आज है हमारी 24 दिसंबर फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड के अंदर जो हमारा अगला एपिसोड आपके लिए आएगा डियर 28 दिसंबर को फिर से कहता हूं डियर गुरुनीति सभी दोस्तों को दिखाएं ताकि सबका भला हो थैंक यू जय श्री कृष्ण